Police to I sometimes wonder, what damage will this cigarette or BD do? Will this be the one that causes a stroke that makes me a burden on my family? Or will it start lung cancer growth? Will this cause mouth cancer or heart disease? Or bring emphysema <laughs> closer? Next time you reach for your cigarette or BD back, ask yourself, what damage will this cigarette or BD do? Quit tobacco today. For help call 1800 112356 or give a missed call on 01122901701. So guys आज के इस वीडियो में रिव्यू करेंगे राधे मूवी से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक फैक्टर को बतलाएंगे और दोस्तों साथ ही साथ राधे मूवी में सुपरस्टार कौन है और इस फिल्म का डायरेक्टर कौन कर रहे हैं और दोस्तों साथ ही साथ इस मूवी ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कितना कमाई की है तो दोस्तों इन सभी इंफॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहें और दोस्तों साथ ही साथ र, साथ ही साथ राधे मूवी को हिंदी भाषा के साथ दोस्तों यूट्यूब पे देखना चाहते हैं तो दोस्तों हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं और दोस्तों साथ ही साथ चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं तब तक, तक दोस्तों आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें दोस्तों बात करें राधे मूवी एक दो की भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म है जो कि राधे र, राधे फिल्म सुपरस्टार अभिनेता राधे फिल्म में सलमान खान और अभिनेत्री दिशा पटानी रणदीप फुटा जैसे जैकी भी अभिनेता जैसे देखने को मिलेगा दोस्तों बात कर ले स्टार अभिनेता सलमान खान से फिल्म राधे मूवी का डायरेक्टर प्रभु देवा ने किया था जबकि इस फिल्म का लिखित एसी मुगल विजय ने इस फिल्म का लेखे थे फिल्म का प्रोड्यूसर सलमान खान सोहेल खान अतुल अग्निहोत्री निखिल निम्तो ने मिलकर इस फिल्म का लेखे प्रोड्यूस किए थे और बात कर ले दोस्तों इस फिल्म का संगीतकार संजित बलहार और अंकित बल्हार ने इस फिल्म का संगीत दिया था जबकि इस फिल्म का गाना साजिद वाजिद और देवी श्री प्रसाद हिमेश रेशमिया द्वारा इसे तैयार किया गया था राधे मूवी का उत्पादक कंपनी जी स्टूडियोज द्वारा इसे बनाई गई थी जबकि सलमान खान फिल्म्स सोहेल खान प्रोडक्शन और रियल लाइफ प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसे बनाई गई थी और इस फिल्म का वितरीत जी स्टूडियोज जीप्लेक्स जी5 द्वारा इसे वितरित किया गया था दोस्तों तेरह मई 2021 में रिलीज हुई राधे मूवी का समय सीमा यानी रोनर टाइम एक से पैंतीस मिनट के साथ इंडियन इंडियन सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और दोस्तों बात करें इस फिल्म का हिंदी भाषा के साथ इंडिया में बनाई गई थी बात कर ले दोस्तों राधे मूवी से राधे मूवी ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अट्ठारह करोड़ का कलेक्शन किया था फिल्म राधे में सुपरस्टार अभिनेता सलमान खान और अभिनेत्री दिशा पटानी की जोड़ी ये फिल्म में काफ़ी जबरदस्त चली थी और दोस्तों साथ ही साथ राधे मूवी में सुपरस्टार अभिनेता सलमान खान की फिल्म राधे सितंबर 2019 में मीडिया के रिपोर्ट के अनुसार लगाया गया है कि प्रभु देवा के डायरेक्ट में बनी फिल्म दबंग थ्री को पूरा करने के बाद सलमान खान की अगली परियोजना का निर्देशक करेंगे इस फिल्म की ईद उल फितर दो हजार बाईस मई को अवसर पर रिलीज होगी और तीसरी तारीख को सलमान खान ने सलमान खान ने रु, रुकी हुई फिल्म के लिए होने का अनुशासन लगाया गया था यह शीर्षक वांटेड टू है लेकिन निर्माताओं से इसकी पुष्टि नहीं हुई है और अक्टूबर 2019 में फिल्म को 2017 की 2017 की दक्षिण कोरियोग्राफर कोरियोग्राफर फिल्म का रीमेक होने की सूचना मिली थी 18 अक्टूबर 2019 को सलमान खान ने दबंग थ्री के मोशन पोस्टर के माध्यम से राधे मूवी में फिल्म के शीर्षक का खुलासा किया था दोस्तों बात कर ले फिल्म की फिल्माने फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी नवंबर 2021 में शुरू हुई थी जबकि नवंबर 2019 में शुरू हुई थी जबकि फिल्म का पहला शेड्यूल 4 नवंबर को मुंबई में महबूब स्टूडियो में हुआ था खान के खान ने सेट पर कलाकारों के चालक दल के सदस्य के लिए एक नए निर्देशक दिशा एक नए दिशा निर्देशक पेश किए थे जो सेट पर अनुशासन बनाए रखने के और नए लोगों का या जूनियर की मदद करने के लिए एक दोस्त प्रणाली बनाए रखने पर जोर देने के लिए थे प्रेम का दूसरा शेड्यूल २१ जनवरी २०२० को गोवा में हुआ था जबकि यह गाना या खान और हुड्डा के कुछ पिछला पीछा करने वाले दृश्य फिल्माए गए थे। क्लाइमैक्स शॉट के लिए निर्माताओं की दृश्य प्रभाव पर ७.५ करोड़ रुपए की खर्च की थी और फिल्म की शूटिंग 21 फरवरी 2020 तक पूरी होनी थी और लेकिन निर्माताओं ने थाईलैंड में एक और शेड्यूल योजना बनाई थी जिसे बाद में कोविड नाइन्टीन महामारी के रूप में रद्द कर दिया गया था दोस्तों बात करें फिल्म में सुपर स्टार अभिनेता सलमान खान यानी दबंग खान यह बॉलीवुड के सुपर स्टार अभिनेता है इनकी कैरियर की शुरुआत बात करें तो दोस्तों सुपर अभिनेता सलमान खान यह भारतीय फिल्म यह भारतीय फिल्म का अभिनेता है खान ने अपने अभिनय की शुरुआत उन्नीस सौ अट्ठासी की आई फिल्म बीबी हो तो ऐसी से की थी जिन्हों जिसमें उन्होंने एक सहायक भूमिका निभाई थी और उन्होंने सूरज आर बाटा तक की रोमांस परिवार ड्रामा मैंने प्यार किया उन्नीस से नवासी में एक प्रमुख भूमिका में थी जो उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई थी इसने उनके इसने उन्हें उसी समारोह में सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्रदर्पण के लिए नामांकन के साथ साथ फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला नामांकन अर्जित किया था बाद वाले सूरज आर भारत्य को सम्मानित किया गया और फिल्म मैंने प्यार किया को अंग्रेजी में वेन लव क्लस ओ और एस्पेसन में तो आमो और तेलुगु में डब किया गया था उन्नीस नब्बे में खान की अभिनीति एक फिल्म रिलीज हुई थी जो कि बागी बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी इसके बाद उन्नीस सौ में तीन सामान्य रूप से सफल फिल्में रही और पत्थर के फूल सरम बेवफा कुर्बान उसी बॉस की खान ने संजय दत्त की माधुरी दीक्षित के साथ रोमांटिक ड्रामा साजन में के रूप में काम किया था उसके बाद सुपरस्टार स्टार दबंग खान यानी सलमान खान ने उन्नीस सौ चौरानवे में, में राजकुमार संतोषी की अंदाज अपना अपना में आमिर खान के साथ सहकलाकार में दिखाई दिए थे और दोस्तों बात कर ले सुपर स्टार अभिनेत्री दिशा पटानी यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो कि बॉलीवुड की फिल्म में काम करती है अभिनेत्री दिशा पटानी इनकी भारतीय अभिनेत्री है फिल्म है जो कि भारतीय फिल्म में काम करती है और हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए भी जानी जाती हैं उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत तेलुगु फिल्म लो फॉर 2015 से की थी जो कि उन्होंने अपनी पहली हिंदी स्पष्ट बायोपिक फिल्म एम एस एम एस धोनी ऑन द टोल स्टोरी 2016 में अपनी भूमिका के लिए पहचान हासिल की थी जिसके लिए उन्होंने सुपर स्टार ऑफ टुमाटो टुमारो के लिए स्टार ड्राम अवार्ड्स सहित कई पुरस्कार भी जीते हैं फिल्मफेयर में बेस्ट फीमेल डेब्यू के लिए आइफा अवार्ड जीता था और अभिनेत्री दिशा पटानी ने बाद में बाद में चीनी एक्शन कॉमेडी फू योगा 2017 और हिंदी फिल्मों जैसे बागी दो भारत 2019 मंगल 2020 और एक विलेन रिटर्न्स 2022 में अभिनय किया था दोस्तों बात अभिनेत्री पटानी पटानी की की शुरुआत ने 2015 में, 2015 में में वरुण तेज के साथ एक तेलुगु फिल्म लोफर से शुरुआत की थी और अपने मौनी की भूमिका जो एक लड़की जो जबरन शादी से बचने के लिए घर से भागती है और पूरी जगन्नाथन द्वारा निर्देशित और सी कल्याण द्वारा सी के इंटरटेनमेंट के तहत निर्मित यह एक फिल्म यह एक फिल्म दूसरे मिलियन के बजट पर बनी थी और एक से छ मिलियन के जीवन भर में संग्रह के साथ बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन के खरदा खराब प्रदर्शन के साथ किया था और अगले वर्ष दिशा पटानी टाइगर श्रॉफ के साथ टाइगर श्रॉफ के साथ एक संगीत वीडियो में दिखाई दिए थे जिसे टी जिसे टी सीरीज के तहत भूषण कुमार और कृष्णा कुमार द्वारा निर्मित किया गया था और मित ब्रदर्स द्वारा संगीत वृद्ध किया गया था जबकि मित ब्रदर्स द्वारा लिखित और निर्देशित भी किया गया था आदित्य सिंह शर्मा की अपनी आवाज भी दी थी और बात कर ले दोस्तों आदित्य दिशा पटानी अभिनेत्री नीरज पांडे की एम एस धोनी अंडर टोल्ड स्टोरी के साथ अपना व्यवसायिक ब्रेक पाया था जो सुशांत सिंह राजपूत और कियारा आडवाणी के साथ भारतीय क्रिकेटर टीम पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी एम एस धोनी की जीवन पर कहानी आधारित है जीवन पर आधारित फिल्म है और यह फिल्म उन्होंने एम एस धोनी के चरित्र को प्रेमिका प्रियंका चोपड़ा प्रियंका झा की भूमिका निभाई है जिसकी एक कार दुर्घटना के से मृत्यु हो जाती है नीरज पांडे द्वारा निर्देशित और फॉक्स स्टार स्टूडियो द्वारा निर्मित यह फिल्म 30 सितंबर 2016 को रिलीज हुई थी और दूसरे 16 सोलह करोड़ रुपए के अनुमति संग्रह के साथ एक बड़ी हिट थी और यूएस यूएस 27 मिलियन इसके अलावा उन्होंने सोनू सूद के साथ जैक जैकी चैन की कुंगो, कुंगो योगा में भी अभिनय किया था बात कर ले दोस्तों सुपर स्टार अभिनेत्री दिशा पटानी और सुपर स्टार अभिनेता राधे सुपर स्टार अभिनेता दबंग खान यानी राधे मूवी में जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ नजर आए थे तो जानने के लिए हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहें और दोस्तों साथ ही साथ साथ ही साथ राधे मूवी को हिंदी भाषा के साथ दोस्तों यूट्यूब पे देखना चाहते हैं तो दोस्तों हमें नीचे कमेंट करके बतला सकते हैं और दोस्तों साथ ही साथ चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं तब तक दोस्तों आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके साथ ही साथ बेलगन प्रेस कर दे दोस्तों बात करें राधे मूवी एक दो की भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म है जो कि राधे र, राधे फिल्म सुपरस्टार अभिनेता राधे फिल्म में सलमान खान और अभिनेत्री दिशा पटानी रणदीप हुड्डा जैसे जैकी श्रॉफ भी अभिनेता जैसे देखने को मिलेगा दोस्तों बात कर ले सुपर अभिनेता सलमान खान से की फिल्म राधे मूवी का डायरेक्टर प्रभुदेवा ने किया था जबकि इस फिल्म का लिखित एसी मुगल विजय मौर्या ने इस फिल्म का लिखे थे फिल्म का प्रोड्यूसर सलमान खान सोहेल खान अतुल अग्निहोत्री निखिल निम्तो ने मिलकर इस फिल्म का लेखे प्रोड्यूस किए थे और बात कर ले दोस्तों इस फिल्म का संगीतकार संचित बलहार और अंकित बल्हार ने इस फिल्म का संगीत दिया था जबकि इस फिल्म का गाना साजिद वाजिद और देवी श्री प्रसाद हिमेश रेशमिया द्वारा इसे तैयार किया गया था राधे मूवी का उत्पादक कंपनी जी स्टूडियोज द्वारा इसे बनाई गई थी जबकि सलमान खान फिल्म्स सुहेल खान प्रोडक्शन और रियल लाइफ प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसे बनाई गई थी और इस फिल्म का वितरित जी स्टूडियो जी प्लेक्स जी फाइव द्वारा इसे वितरित किया गया था दोस्तों तेरह मई 2021 में रिलीज हुई राधे मूवी का समय सीमा यानी रोनर टाइम एक से पैंतीस मिनट के साथ इंडियन इंडियन सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और दोस्तों बात करें इस फिल्म का हिंदी भाषा के साथ इंडिया में बनाई गई थी बात कर ले दोस्तों राधे मूवी से राधे मूवी ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अट्ठारह पॉइंट करोड़ का कलेक्शन किया था फिल्म राधे में सुपर स्टार अभिनेता सलमान खान और अभिनेत्री दिशा पटानी की जोड़ी ये फिल्म में काफ़ी जबरदस्त चली थी और दोस्तों साथ ही साथ राधे मूवी में सुपर स्टार अभिनेता सलमान खान की फिल्म राधे सितंबर 2019 में मीडिया के रिपोर्ट के अनुसार लगाया गया है कि प्रभु देवा के डायरेक्ट में बनी फिल्म दबंग थ्री को पूरा करने के बाद सलमान खान की अगली परियोजना का निर्देशक करेंगे इस फिल्म की ईद उल फितर दो हज़ार दो बाईस मई को अवसर पर रिलीज होगी और तीसरी तारीख को सलमान खान ने सलमान खान ने रुकी हुई फिल्म इन के लिए होने का अनुशासन लगाया गया था यह शीर्षक वांटेड टू है लेकिन निर्माताओं से इसकी पुष्टि नहीं हुई है और अक्टूबर 2019 में फिल्म को 2017 दो की 2017 की दक्षिण कोरियोग्राफर कोरियोग्राफर फिल्म का रीमेक होने की सूचना मिली थी 18 अक्टूबर 2019 को सलमान खान ने दबंग थ्री के मोशन पोस्टर के माध्यम से राधे मूवी में फिल्म के शीर्षक का खुलासा किया था दोस्तों बात कर ले फिल्म की फिल्माने फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी नवंबर 2021 में शुरू हुई थी जबकि नवंबर 2019 में शुरू हुई थी जबकि फिल्म का पहला शेड्यूल चार नवंबर को मुंबई में महबू स्टूडियो में हुआ था खान के खान ने सेट पर कलाकारों के चालक दल के सदस्य के लिए एक नए निर्देशक दिशा एक नए दिशा निर्देशक पेश किए थे जो सेट पर अनुशासन बनाए रखने के और नए लोगों का या जूनियर की मदद करने के लिए एक दोस्त प्रणाली बनाए रखने पर जोर देने के लिए थे फिल्म का दूसरा शेड्यूल 21 जनवरी 2020 को गोवा में हुआ था जबकि यह गाना यह खान और हुड्डा के कुछ पिछला पीछा करने वाले दृश्य फिल्माए गए थे क्लाइमैक्स शॉट के लिए निर्माताओं की दृश्य प्रभावों पर, पर 7.5 करोड़ रुपये की खर्च की थी और फिल्म की शूटिंग 21 फरवरी 2020 तक पूरी होनी थी और लेकिन निर्माताओं ने थाईलैंड में एक और शेड्यूल योजना बनाई थी जिसे बाद में कोविड 19 महामारी के रूप में रद्द कर दिया गया था दोस्तों बात करें फिल्म में सुपर स्टार अभिनेता सलमान खान यानी दबंग खान यह बॉलीवुड के सुपरस्टार अभिनेता हैं इनकी करियर की शुरुआत बात करें तो दोस्तों सुपरस्टार अभिनेता सलमान खान यह भारतीय फिल्म यह भारतीय फिल्म का अभिनेता है खान ने अपने अभिनय की शुरुआत उन्नीस सौ अट्ठासी की आई फिल्म बीबी हो तो ऐसी से की थी जिन्हों जिसमें उन्होंने एक सहायक भूमिका निभाई थी और उन्होंने सूरज आर बाडजा तक की रोमांस परिवार ड्रामा मैंने प्यार किया उन्नीस सौ नवासी में एक प्रमुख भूमिका में थी जो उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई थी इसने उनके इसने उन्हें उसी समारोह में सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण के लिए नामांकन के साथ साथ फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला नामांकन अर्जित किया था बाद वाले सूरज आर भाज्य को सम्मानित किया गया और फिल्म मैंने प्यार किया को अंग्रेजी में वेन लव क्लस ओ और एसपेसन में तो आमो और तेलुगु में डब किया गया था उन्नीस सौ नब्बे में खान की अभिनीति एक फिल्म रिलीज हुई थी जो कि बागी बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी इसके बाद उन्नीस सौ इक्यानवे में तीन सामान्य रूप से सफल फिल्में रही और पत्थर के फूल सनम बेवफा कुर्बान उसी बौसकी खान ने संजय दत्त की माधुरी दीक्षित के साथ रोमांटिक ड्रामा साजन में सहकलाकार के रूप में काम किया था उसके बाद सुपरस्टार दबंग खान यानी सलमान खान ने उन्नीस सौ चौरानवे में राजकुमार संतोषी की अंदाज अपना अपना में आमिर खान के साथ सहकलाकार में दिखाई दिए थे और दोस्तों बात कर ले सुपर स्टार अभिनेत्री दिशा पटानी यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो कि बॉलीवुड की फिल्म में काम करती है अभिनेत्री दिशा पटानी इनकी भारतीय अभिनेत्री है फिल्म है जो कि भारतीय फिल्म में काम करती है और हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए भी जानी जाती हैं उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत तेलुगु फिल्म लोफर 2015 से की थी जो कि उन्होंने अपनी पहली हिंदी स्पष्ट बायोपिक फिल्म एम एस एम एस धोनी ऑन द टोल्ड स्टोरी 2016 में अपनी भूमिका के लिए पहचान हासिल की थी जिसके लिए उन्होंने सुपरस्टार ऑफ टुमार्टो टुमारो के लिए स्टार ड्रम अवार्ड्स सहित कई पुरस्कार भी जीते हैं फिल्म फेयर में बेस्ट फीमेल डेब्यू के लिए आइफा अवार्ड जीता था और अभिनेत्री दिशा पटानी ने बाद में बाद में चीनी एक्शन कॉमेडी कुंक फू योगा 2017 और हिंदी फिल्मों जैसे बागी दो 2018 भारत 2019 मंगल 2020 और एक विलेन रिटर्न्स 2022 में अभिनय किया था दोस्तों बात कर ले अभिनेत्री दिशा पटानी की कैरियर की शुरुआत पटानी ने 2015 में 2015 में वरुण तेज के साथ एक तेलंगू फिल्म लोफर से शुरुआत की थी और अपने मौनी की भूमिका जो एक लड़की जो जबरन शादी से बचने के लिए घर से भागती है और पूरी जगन्नाथन द्वारा निर्देशित और सी कल्याण द्वारा सी के इंटरटेनमेंट के तहत निर्मित यह एक फिल्म यह एक फिल्म दूसरे मिलियन के बजट पर बनी थी और एक से छ मिलियन के जीवन भर में संग्रह के साथ बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन के खरदा खराब प्रदर्शन के साथ किया था और अगले वर्ष दिशा पटानी टाइगर श्रॉफ के साथ टाइगर श्रॉफ के साथ एक संगीत वीडियो बेफिका में दिखाई दिए थे जिसे टी जिसे टी सीरीज के तहत भूषण कुमार और कृष्णा कुमार द्वारा निर्मित किया गया था और मित ब्रदर्स द्वारा संगीत विरद किया गया था जबकि मित ब्रदर्स द्वारा लिखित और निर्देशित भी किया गया था आदित्य सिंह शर्मा की अपनी आवाज भी दी थी और बात कर ले दोस्तों आदित्य दिशा पटानी अभिनेत्री नीरज पांडे की एम एस धोनी अंडर टोल्ड स्टोरी के साथ अपना ब्रेक पाया था, जो सुशांत सिंह राजपूत और कियारा आडवाणी के साथ भारतीय क्रिकेटर टीम पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी एम एस धोनी की जीवन पर कहानी आधारित है जीवन पर आधारित फिल्म है और यह फिल्म उन्होंने एम एस धोनी के चरित्र को प्रेमिका प्रियंका चोपड़ा प्रियंका झा की भूमिका निभाई है जिसकी एक कार दुर्घटना के मृत्यु हो जाती है नीरज पांडे द्वारा निर्देशित और फॉक्स स्टार स्टूडियो द्वारा निर्मित यह फिल्म 30 सितंबर 2016 को रिलीज हुई थी और दूसरे 16 सोलह करोड़ रुपए के अनुमति संग्रह के साथ एक बड़ी हिट थी और यूएस यूएस 27 मिलियन इसके अलावा उन्होंने सोनू सूद के साथ जय जैक, जैकी चैन की फू योगा में भी अभिनय किया था बात कर ले दोस्तों सुपर स्टार अभिनेत्री दिशा पटानी और सुपर स्टार अभिनेता राधे सुपर स्टार अभिनेता दबंग खान यानी राधे मूवी में जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ नजर आए थे हेलो गाइज आज के इस वीडियो में रिव्यू करेंगे राधे मूवी से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक फैक्टर को बतलाएंगे और दोस्तों साथ ही साथ राधे मूवी में सुपरस्टार कौन है और इस फिल्म का डायरेक्टर कौन कर रहे हैं और दोस्तों साथ ही साथ इस मूवी ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कितना कमाई की है तो दोस्तों इन सभी इंफॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहें और दोस्तों साथ ही साथ साथ ही साथ राधे मूवी को हिंदी भाषा के साथ दोस्तों यूट्यूब पे देखना चाहते हैं तो दोस्तों हमें नीचे कमेंट करके बतला सकते हैं और दोस्तों साथ ही साथ चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं तब तक, तक दोस्तों आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके साथ ही साथ आइकन प्रेस कर दे दोस्तों बात करें राधे मूवी एक दो हज़ार इक्कीस की भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म है जो कि राधे र, राधे फिल्म सुपर स्टार अभिनेता राधे फिल्म में सलमान खान और अभिनेत्री दिशा पटानी रणदीप हुड्डा जैसे श्रॉफ भी अभिनेता जैसे देखने को मिलेगा दोस्तों बात कर ले सुपर स्टार अभिनेता सलमान खान से फिल्म राधे मूवी का डायरेक्टर प्रभु देवा ने किया था जबकि इस फिल्म का लिखित एसी मुगल विजय मौर्य ने इस फिल्म का लिखे थे फिल्म का प्रोड्यूसर सलमान खान सोहेल खान अतुल अग्निहोत्री निखिल निम्तो ने मिलकर इस फिल्म का लेखे प्रोड्यूस किए थे और बात कर ले दोस्तों इस फिल्म का संगीतकार संचित बलहार और अंकित बलहार ने इस फिल्म का संगीत दिया था जबकि इस फिल्म का गाना साजिद वाजिद और देवी श्री प्रसाद हिमेश रेशमिया द्वारा इसे तैयार किया गया था राधे मूवी का उत्पादक कंपनी जी स्टूडियोज द्वारा इसे बनाई गई थी जबकि सलमान खान फिल्म्स सुहेल खान प्रोडक्शन और रियल लाइफ प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसे बनाई गई थी और इस फिल्म का वितरित जी स्टूडियो जी प्लेक्स जी फाइव द्वारा इसे वितरित किया गया था दोस्तों तेरह मई 2021 में रिलीज हुई राधे मूवी का समय सीमा यानी रोनर टाइम एक से पैंतीस मिनट के साथ इंडियन इंडियन सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और दोस्तों बात करें इस फिल्म का हिंदी भाषा के साथ इंडिया में बनाई गई थी बात कर ले दोस्तों राधे मूवी से राधे मूवी ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अट्ठारह पॉइंट करोड़ का कलेक्शन किया था फिल्म राधे में सुपर स्टार अभिनेता सलमान खान और अभिनेत्री दिशा पटानी की जोड़ी ये फिल्म में काफ़ी जबरदस्त चली थी और दोस्तों साथ ही साथ राधे मूवी में सुपर स्टार अभिनेता सलमान खान की फिल्म राधे सितंबर 2019 में मीडिया के रिपोर्ट के अनुसार लगाया गया है कि प्रभु देवा के डायरेक्ट में बनी फिल्म दबंग थ्री को पूरा करने के बाद सलमान खान की अगली परियोजना का निर्देशक करेंगे इस फिल्म की ईद उल फितर दो हजार दो हजार बीस बाईस मई को अवसर पर रिलीज होगी और तीसरी तारीख को सलमान खान ने सलमान खान ने रुकी हुई फिल्म इन के लिए होने का अनुशासन लगाया गया था यह शीर्षक वांटेड टू है लेकिन निर्माताओं से इसकी पुष्टि नहीं हुई है और अक्टूबर 2019 में फिल्म को 2017 की 2017 की दक्षिण कोरियोग्राफर कोरियोग्राफर फिल्म का रीमेक होने की सूचना मिली थी 18 अक्टूबर 2019 को सलमान खान ने दबंग थ्री के मोशन पोस्टर के माध्यम से राधे मूवी में फिल्म के शीर्षक का खुलासा किया था दोस्तों बात कर ले की फिल्म की फिल्माने ने फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी नवंबर 2021 में शुरू हुई थी जबकि नवंबर 2019 में शुरू हुई थी जबकि फिल्म का पहला शेड्यूल 4 नवंबर को मुंबई में महबूब स्टूडियो में हुआ था खान के स, खान ने सेट पर कलाकारों के चालक दल के सदस्य के लिए एक नए निर्देशक दिशा एक नए दिशा निर्देशक पेश किए थे जो सेट पर अनुशासन बनाए रखने के और नए लोगों का या जूनियर की मदद करने के लिए एक दोस्त प्रणाली बनाए रखने पर जोर देने के लिए थे फिल्म का दूसरा शेड्यूल 21 जनवरी 2020 को गोवा में हुआ था जबकि यह गाना यह खान और हुड्डा के कुछ पिछला पीछा करने वाले दृश्य फिल्म आए गए थे क्लाइमैक्स शॉट के लिए निर्माताओं की दृश्य प्रभाव पर, पर 7.5 करोड़ रुपये की खर्च की थी और फिल्म की शूटिंग 21 फरवरी 2020 तक पूरी होनी थी और लेकिन निर्माताओं ने थाईलैंड में एक और शेड्यूल योजना बनाई थी जिसे बाद में कोविड 19 महामारी के रूप में रद्द कर दिया गया था दोस्तों बात करें फिल्म में सुपर स्टार अभिनेता सलमान खान यानी दबंग खान यह बॉलीवुड के सुपर स्टार अभिनेता हैं इनकी कैरियर की शुरुआत बात करें तो दोस्तों सुपर स्टार अभिनेता सलमान खान यह भारतीय फिल्म यह भारतीय फिल्म का अभिनेता है खान ने अपने अभिनय की शुरुआत उन्नीस सौ अट्ठासी की आई फिल्म बीबी हो तो ऐसी से की थी जिन्हों जिसमें उन्होंने एक सहायक भूमिका निभाई थी और उन्होंने सूरज आर भाटजाता की रोमांस परिवार ड्रामा मैंने प्यार किया उन्हें से नवासी में एक प्रमुख भूमिका में थी जो उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई थी इसने उनके इसने उन्हें उसी समारोह में सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण के लिए नामांकन के साथ साथ फिल्म फिल्मफेयर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला नामांकन अर्जित किया था बाद वाले सूरज आर भारत्य को सम्मानित किया गया और फिल्म मैंने प्यार किया को अंग्रेजी में वेन लव क्लस ओ और एस्पेसन में तो आमो और तेलुगु में डब किया गया था उन्नीस में खान की अभिनीति एक फिल्म रिलीज हुई थी जो कि बागी बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी इसके बाद उन्नीस सौ में तीन सामान्य रूप से सफल फिल्में रहीं और पत्थर के फूल सरम बेवफा कुर्बान उसी बॉस की खान ने संजय दत्त की माधुरी दीक्षित के साथ रोमांटिक ड्रामा साजन में सकलाकार के रूप में काम किया था उसके बाद सुपरस्टार स्टार दबंग खान यानी सलमान खान ने उन्नीस सौ चौरानवे में राजकुमार संतोषी की अंदाज अपना अपना में आमिर खान के साथ सहकलाकार में दिखाई दिए थे और दोस्तों बात कर ले सुपर स्टार अभिनेत्री दिशा पटानी यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो कि बॉलीवुड की फिल्म में काम करती है अभिनेत्री दिशा पटानी इनकी भारतीय अभिनेत्री है फिल्म है जो कि भारतीय फिल्म में काम करती है और हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए भी जानी जाती हैं उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत तेलुगु फिल्म लोफर 2015 से की थी जो कि उन्होंने अपनी पहली हिंदी स्पष्ट बायोपिक फिल्म एम एस एम एस धोनी ऑन द टोल्ड स्टोरी 2016 में अपनी भूमिका के लिए पहचान हासिल की थी जिसके लिए उन्होंने सुपर स्टार ऑफ टुमार्टो टुमारो के लिए स्टार ड्रम अवार्ड्स सहित कई पुरस्कार भी जीते हैं फिल्मफेयर में बेस्ट फीमेल डेब्यू के लिए आइफा अवार्ड जीता था और अभिनेत्री दिशा पटानी ने बाद में बाद में चीनी एक्शन कॉमेडी फू योगा 2017 और हिंदी फिल्मों जैसे बागी दो भारत दो मंगल 2020 और एक विलेन रिटर्न्स 2022 में अभिनय किया था दोस्तों बात अभिनेत्री पटानी पटानी की की शुरुआत ने 2015 में, 2015 में में वरुण तेज के साथ एक तेलुगु फिल्म लोफर से शुरुआत की थी और अपने मौनी की भूमिका जो एक लड़की जो जबरन शादी से बचने के लिए घर से भागती है और पूरी जगन्नाथन द्वारा निर्देशित और सी कल्याण द्वारा सी के इंटरटेनमेंट के तहत निर्मित यह एक फिल्म यह एक फिल्म दूसरे मिलियन के बजट पर बनी थी और एक से छ मिलियन के जीवन भर में संग्रह के साथ बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन के खरदा खराब प्रदर्शन के साथ किया था और अगले वर्ष दिशा पटानी टाइगर श्रॉफ के साथ टाइगर श्रॉफ के साथ एक संगीत वीडियो बेफिका में दिखाई दिए थे जिसे टी जिसे टी सीरीज के तहत भूषण कुमार और कृष्णा कुमार द्वारा निर्मित किया गया था और मित ब्रदर्स द्वारा संगीत वृद्ध किया गया था जबकि मित ब्रदर्स द्वारा लिखित और निर्देशित भी किया गया था आदित्य सिंह शर्मा की अपनी आवाज भी दी थी और बात कर ले दोस्तों आदित्य दिशा पटानी अभिनेत्री नीरज पांडे की एम एस धोनी अंडर टोल्ड स्टोरी के साथ अपना व्यावसायिक ब्रेक पाया था जो सुशांत सिंह राजपूत और कियारा आडवाणी के साथ भारतीय क्रिकेटर टीम पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी एम एस धोनी की जीवन पर कहानी आधारित है जीवन पर आधारित फिल्म है और यह फिल्म उन्होंने एम एस धोनी के चरित्र को प्रेमिका प्रियंका चोपड़ा प्रियंका झा की भूमिका निभाई है जिसकी एक कार दुर्घटना के से मृत्यु हो जाती है नीरज पांडे द्वारा निर्देशित और फॉक्स स्टार स्टूडियो द्वारा निर्मित यह फिल्म 30 सितंबर 2016 को रिलीज हुई थी और दूसरे 16 सोलह करोड़ रुपए के अनुमति संग्रह के साथ एक बड़ी हिट थी और यूएस यूएस 27 मिलियन इसके अलावा उन्होंने सोनू सूद के साथ जैक जैकी चैन की कुंक कु योगा में भी अभिनय किया था बात कर ले दोस्तों सुपर स्टार अभिनेत्री दिशा पटानी और सुपर स्टार अभिनेता राधे सुपर स्टार अभिनेता दबंग खान यानी राधे मूवी में जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ नजर आए थे हेलो गाइज आज के इस वीडियो में रिव्यू करेंगे राधे मूवी से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक फैक्टर को बतलाएंगे और दोस्तों साथ ही साथ राधे मूवी में सुपरस्टार कौन है और इस फिल्म का डायरेक्टर कौन कर रहे हैं और दोस्तों साथ ही साथ इस मूवी ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कितना कमाई की है तो दोस्तों इन सभी इंफॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहें और दोस्तों साथ ही साथ साथ ही साथ राधे मूवी को हिंदी भाषा के साथ दोस्तों यूट्यूब पे देखना चाहते हैं तो दोस्तों हमें नीचे कमेंट करके बतला सकते हैं और दोस्तों साथ ही साथ चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं तब तक, तक दोस्तों आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके साथ ही साथ बेलगन प्रेस कर दे दोस्तों बात करें राधे मूवी एक दो की भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म है जो कि राधे राधे फिल्म सुपरस्टार अभिनेता राधे फिल्म में सलमान खान और अभिनेत्री दिशा पटानी रणदीप हुड्डा जैसे श्रॉफ भी अभिनेता जैसे देखने को मिलेगा दोस्तों बात कर ले सुपर अभिनेता सलमान खान से फिल्म राधे मूवी का डायरेक्टर प्रभु देवा ने किया था जबकि इस फिल्म का लिखित एसी मुगल विजय मौर्या ने इस फिल्म का लिखे थे फिल्म का प्रोड्यूसर सलमान खान सोहेल खान अतुल अग्निहोत्री निखिल ने मिलकर इस फिल्म का लेख प्रोड्यूस किए थे और बात कर ले दोस्तों इस फिल्म का संगीतकार संचित बलहार और अंकित बलहार ने इस फिल्म का संगीत दिया था जबकि इस फिल्म का गाना साजिद वाजिद और देवी श्री प्रसाद हिमेश रेशमिया द्वारा इसे तैयार किया गया था राधे मूवी का उत्पादक कंपनी जी स्टूडियोज द्वारा इसे बनाई गई थी जबकि सलमान खान फिल्म्स सोहेल खान प्रोडक्शन और रियल लाइफ प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसे बनाई गई थी और इस फिल्म का वितरित जी स्टूडियो जी प्लेक्स जी फाइव द्वारा इसे वितरित किया गया था दोस्तों तेरह मई 2021 में रिलीज हुई राधे मूवी का समय सीमा यानी रोनर टाइम एक से पैंतीस मिनट के साथ इंडियन इंडियन सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और दोस्तों बात करें इस फिल्म का हिंदी भाषा के साथ इंडिया में बनाई गई थी बात कर ले दोस्तों राधे मूवी से राधे मूवी ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अठारह करोड़ का कलेक्शन किया था फिल्म राधे में सुपर स्टार अभिनेता सलमान खान और अभिनेत्री दिशा पटानी की जोड़ी ये फिल्म में काफ़ी जबरदस्त चली थी और दोस्तों साथ ही साथ राधे मूवी में सुपर स्टार अभिनेता सलमान खान की फिल्म राधे सितंबर 2019 में मीडिया के रिपोर्ट के अनुसार लगाया गया है कि प्रभु देवा के डायरेक्ट में बनी फिल्म दबंग थ्री को पूरा करने के बाद सलमान खान की अगली परियोजना का निर्देशक करेंगे इस फिल्म की ईद उल फितर 2020 बाईस मई को अवसर पर रिलीज होगी और तीसरी तारीख को सलमान खान ने सलमान खान ने रुकी हुई फिल्म इन के लिए होने का अनुशासन लगाया गया था यह शीर्षक वांटेड टू है लेकिन निर्माताओं से इसकी पुष्टि नहीं हुई है और अक्टूबर 2019 में फिल्म को 2017 दो की 2017 की दक्षिण कोरियोग्राफर कोरियोग्राफर फिल्म का रीमेक होने की सूचना मिली थी 18 अक्टूबर 2019 को सलमान खान ने दबंग थ्री के मोशन पोस्टर के माध्यम से राधे मूवी में फिल्म के शीर्षक का खुलासा किया था दोस्तों बात कर ले फिल्म की फिल्माने फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी नवंबर 2021 में शुरू हुई थी जबकि नवंबर 2019 में शुरू हुई थी जबकि फिल्म का पहला शेड्यूल चार नवंबर को मुंबई में महबूब स्टूडियो में हुआ था खान के खान ने सेट पर कलाकारों के चालक दल के सदस्य के लिए एक नए निर्देशक दिशा एक नए दिशा निर्देशक पेश किए थे जो सेट पर अनुशासन बनाए रखने के और नए लोगों का या जूनियर की मदद करने के लिए एक दोस्त प्रणाली बनाए रखने पर जोर देने के लिए थे फिल्म का दूसरा शेड्यूल 21 जनवरी 2020 को गोवा में हुआ था जबकि यह गाना यह खान और हुड्डा के कुछ पिछला पीछा करने वाले दृश्य फिल्माए गए थे क्लाइमैक्स शॉट के लिए निर्माताओं की दृश्य प्रभाव पर, पर 7.5 करोड़ रुपये की खर्च की थी और फिल्म की शूटिंग 21 फरवरी 2020 तक पूरी होनी थी और लेकिन निर्माताओं ने थाईलैंड में एक और शेड्यूल योजना बनाई थी जिसे बाद में कोविड 19 महामारी के रूप में रद्द कर दिया गया था दोस्तों बात करें फिल्म में सुपर स्टार अभिनेता सलमान खान यानी दबंग खान यह बॉलीवुड के सुपरस्टार अभिनेता हैं इनकी करियर की शुरुआत बात करें तो दोस्तों सुपरस्टार अभिनेता सलमान खान यह भारतीय फिल्म यह भारतीय फिल्म का अभिनेता है खान ने अपने अभिनय की शुरुआत उन्नीस सौ अट्ठासी की आई फिल्म बीबी हो तो ऐसी से की थी जिन्हों जिसमें उन्होंने एक सहायक भूमिका निभाई थी और उन्होंने सूरज आर बाडजाता की रोमांस परिवार ड्रामा मैंने प्यार किया उन्नीस सौ नवासी में एक प्रमुख भूमिका में थी जो उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई थी इसने उनके इसने उन्हें उसी समारोह में सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण के लिए नामांकन के साथ साथ फिल्मफेयर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला नामांकन अर्जित किया था बाद वाले सूरज आर जाते को सम्मानित किया गया और फिल्म मैंने प्यार किया को अंग्रेजी में हुन लव क्लॉस ओ और एसपेस न्यूज में तो आमो और तेलुगु में डब किया गया था उन्नीस सौ नब्बे में खान की अभिनीति एक फिल्म रिलीज हुई थी जो कि बागी बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी इसके बाद उन्नीस सौ इक्यानवे में तीन सामान्य रूप से सफल फिल्में रही और पत्थर के फूल सरम बेवफा कुर्बान उसी की खान ने संजय दत्त की माधुरी दीक्षित के साथ रोमांटिक ड्रामा साजन में कलाकार के रूप में काम किया था उसके बाद सुपरस्टार स्टार दबंग खान यानी सलमान खान ने उन्नीस सौ चौरानवे में, में राजकुमार संतोषी की अंदाज अपना अपना में आमिर खान के साथ कलाकार में दिखाई दिए थे और दोस्तों बात कर ले सुपर स्टार अभिनेत्री दिशा पटानी यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो कि बॉलीवुड की फिल्म में काम करती है अभिनेत्री दिशा पटानी इनकी भारतीय अभिनेत्री है फिल्म है जो कि भारतीय फिल्म में काम करती है और हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए भी जानी जाती हैं उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत तेलुगु फिल्म लोफर 2015 से की थी जो कि उन्होंने अपनी पहली हिंदी स्पष्ट बायोपिक फिल्म एम एस एम एस धोनी ऑन द टोल्ड स्टोरी 2016 में अपनी भूमिका के लिए पहचान हासिल की थी जिसके लिए उन्होंने सुपर स्टार ऑफ टुमार्टो टुमारो के लिए स्टार ड्रम अवार्ड्स सहित कई पुरस्कार भी जीते हैं फेयर में बेस्ट फीमेल डेब्यू के लिए आइफा अवार्ड जीता था और अभिनेत्री दिशा पटानी ने बाद में बाद में चीनी एक्शन कॉमेडी कुंक फू योगा 2017 और हिंदी फिल्मों जैसे बागी दो भारत 2019 मंगल 2020 और एक विलेन रिटर्न्स 2022 में अभिनय किया था दोस्तों बात अभिनेत्री पटानी पटानी की की शुरुआत ने 2015 में, 2015 में में वरुण तेज के साथ एक तेलुगु फिल्म लोफर से शुरुआत की थी और अपने मौनी की भूमिका जो एक लड़की जो जबरन शादी से बचने के लिए घर से भागती है और पूरी जगन्नाथन द्वारा निर्देशित और सी कल्याण द्वारा सी के इंटरटेनमेंट के तहत निर्मित यह एक फिल्म दो यह एक फिल्म दो मिलियन के बजट पर बनी थी और एक से छ मिलियन के जीवन भर में संग्रह के साथ बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन के खरदा खराब प्रदर्शन के साथ किया था और अगले वर्ष दिशा पटानी टाइगर श्रॉफ के साथ टाइगर श्रॉफ के साथ एक संगीत वीडियो बेफिका में दिखाई दिए थे जिसे टी जिसे टी सीरीज के तहत भूषण कुमार और कृष्णा कुमार द्वारा निर्मित किया गया था और मित ब्रदर्स द्वारा संगीत वृद्ध किया गया था जबकि मित ब्रदर्स द्वारा लिखित और निर्देशित भी किया गया था आदित्य सिंह शर्मा की अपनी आवाज भी दी थी और बात कर ले दोस्तों आदित्य दिशा पटानी अभिनेत्री नीरज पांडे की एम एस धोनी अंडर स्टोरी के साथ अपना व्यवसायिक ब्रेक पाया था जो सुशांत सिंह राजपूत और कियारा आडवाणी के साथ भारतीय क्रिकेटर टीम पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी एम एस धोनी की जीवन पर कहानी आधारित है जीवन पर आधारित फिल्म है और यह फिल्म उन्होंने एम एस धोनी के चरित्र को प्रेमिका प्रियंका चोपड़ा प्रियंका झा की भूमिका निभाई है जिसकी एक कार दुर्घटना के से मृत्यु हो जाती है नीरज पांडे द्वारा निर्देशित और फॉक्स स्टार स्टूडियो द्वारा निर्मित यह फिल्म 30 सितंबर 2016 को रिलीज हुई थी और दूसरे 16 सोलह करोड़ रुपए के अनुमति संग्रह के साथ एक बड़ी हिट थी और यूएस यूएस 27 मिलियन इसके अलावा उन्होंने सोनू सूद के साथ जय जैक, जैकी चैन की कुंग योगा में भी अभिनय किया था बात कर ले दोस्तों सुपर स्टार अभिनेत्री दिशा पटानी और सुपर स्टार अभिनेता राधे सुपर स्टार अभिनेता दबंग खान यानी राधे मूवी में जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ नजर आए थे हेलो गाइज आज के इस वीडियो में रिव्यू करेंगे राधे मूवी से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक फैक्टर को बताएंगे और दोस्तों साथ ही साथ राधे मूवी में सुपरस्टार कौन है और इस फिल्म का डायरेक्टर कौन कर रहे हैं और दोस्तों साथ ही साथ इस मूवी ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कितना कमाई की है तो दोस्तों इन सभी इंफॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहें और दोस्तों साथ ही साथ साथ ही साथ राधे मूवी को हिंदी भाषा के साथ दोस्तों यूट्यूब पे देखना चाहते हैं तो दोस्तों हमें नीचे कमेंट करके बतला सकते हैं और दोस्तों साथ ही साथ चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं तब तक, तक दोस्तों आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके साथ ही साथ आइकन प्रेस कर दे दोस्तों बात करें राधे मूवी एक दो हज़ार इक्कीस की भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म है जो कि राधे र, राधे फिल्म सुपर स्टार अभिनेता राधे फिल्म में सलमान खान और अभिनेत्री दिशा पटानी रणदीप हुड्डा जैसे श्रॉफ भी अभिनेता जैसे देखने को मिलेगा दोस्तों बात कर ले सुपर स्टार अभिनेता सलमान खान से फिल्म राधे मूवी का डायरेक्टर प्रभु देवा ने किया था जबकि इस फिल्म का लिखित एसी मुगल विजय मौर्य ने इस फिल्म का लेखे थे फिल्म का प्रोड्यूसर सलमान खान सोहेल खान अतुल अग्निहोत्री निखिल निम्तो ने मिलकर इस फिल्म का लेखे प्रोड्यूस किए थे और बात कर ले दोस्तों इस फिल्म का संगीतकार संचित बलहार और अंकित बलहार ने इस फिल्म का संगीत दिया था जबकि इस फिल्म का गाना साजिद वाजिद और देवी श्री प्रसाद हिमेश रेशमिया द्वारा इसे तैयार किया गया था राधे मूवी का उत्पादक कंपनी जी स्टूडियोज द्वारा इसे बनाई गई थी जबकि सलमान खान फिल्म्स सोहेल खान प्रोडक्शन और रियल लाइफ प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसे बनाई गई थी और इस फिल्म का वितरित जी स्टूडियो जी प्लेक्स जी फाइव द्वारा इसे वितरित किया गया था दोस्तों तेरह मई 2021 में रिलीज हुई राधे मूवी का समय सीमा यानी रोनर टाइम एक से पैंतीस मिनट के साथ इंडियन इंडियन सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और दोस्तों बात करें इस फिल्म का हिंदी भाषा के साथ इंडिया में बनाई गई थी बात कर ले दोस्तों राधे मूवी से राधे मूवी ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अट्ठारह पॉइंट करोड़ का कलेक्शन किया था फिल्म राधे में सुपर स्टार अभिनेता सलमान खान और अभिनेत्री दिशा पटानी की जोड़ी ये फिल्म में काफ़ी जबरदस्त चली थी और दोस्तों साथ ही साथ राधे मूवी में सुपर स्टार अभिनेता सलमान खान की फिल्म राधे सितंबर 2019 में मीडिया के रिपोर्ट के अनुसार लगाया गया है कि प्रभु देवा के डायरेक्ट में बनी फिल्म दबंग थ्री को पूरा करने के बाद सलमान खान की अगली परियोजना का निर्देशक करेंगे इस फिल्म की ईद उल फितर दो हजार दो हजार बीस बाईस मई को अवसर पर रिलीज होगी और तीसरी तारीख को सलमान खान ने सलमान खान ने रुकी हुई फिल्म इन के लिए होने का अनुशासन लगाया गया था यह शीर्षक वांटेड टू है लेकिन निर्माताओं से इसकी पुष्टि नहीं हुई है और अक्टूबर 2019 में फिल्म को 2017 की 2017 की दक्षिण कोरियोग्राफर कोरियोग्राफर फिल्म का रीमेक होने की सूचना मिली थी 18 अक्टूबर 2019 को सलमान खान ने दबंग थ्री के मोशन पोस्टर के माध्यम से राधे मूवी में फिल्म के शीर्षक का खुलासा किया था दोस्तों बात कर ले फिल्म की फिल्माने फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी नवंबर 2021 में शुरू हुई थी जबकि नवंबर 2019 में शुरू हुई थी जबकि फिल्म का पहला शेड्यूल 4 नवंबर को मुंबई में महबूब स्टूडियो में हुआ था खान के खान ने सेट पर कलाकारों के चालक दल के सदस्य के लिए एक नए निर्देशक दिशा एक नए दिशा निर्देशक पेश किए थे जो सेट पर अनुशासन बनाए रखने के और नए लोगों का या जूनियर की मदद करने के लिए एक दोस्त प्रणाली बनाए रखने पर जोर देने के लिए थे फिल्म का दूसरा शेड्यूल 21 जनवरी 2020 को गोवा में हुआ था जबकि यह गाना यह खान और हुड्डा के कुछ पिछला पीछा करने वाले दृश्य फिल्माए गए थे क्लाइमैक्स शॉट के लिए निर्माताओं की दृश्य प्रभाव पर, पर 7.5 करोड़ रुपये की खर्च की थी और फिल्म की शूटिंग 21 फरवरी 2020 तक पूरी होनी थी और लेकिन निर्माताओं ने थाईलैंड में एक और शेड्यूल योजना बनाई थी जिसे बाद में कोविड 19 महामारी के रूप में रद्द कर दिया गया था दोस्तों बात करें फिल्म में सुपर स्टार अभिनेता सलमान खान यानी दबंग खान यह बॉलीवुड के सुपर स्टार अभिनेता हैं इनकी कैरियर की शुरुआत बात करें तो दोस्तों सुपर स्टार अभिनेता सलमान खान यह भारतीय फिल्म यह भारतीय फिल्म का अभिनेता है खान ने अपने अभिनय की शुरुआत उन्नीस सौ अट्ठासी की आई फिल्म बी हो तो ऐसी से की थी जिन्हों जिसमें उन्होंने एक सहायक भूमिका निभाई थी और उन्होंने सूरज आर भाटजाता की रोमांस परिवार ड्रामा मैंने प्यार किया उन्हें से नवासी में एक प्रमुख भूमिका में थी जो उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई थी इसने उनके इसने उन्हें उसी समारोह में सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण के लिए नामांकन के साथ साथ फिल्म फिल्मफेयर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला नामांकन अर्जित किया था बाद वाले सूरज आर भाटज को सम्मानित किया गया और फिल्म मैंने प्यार किया को अंग्रेजी में वेन लव क्लॉस ओ और एस्पेसन में तो आमो और तेलुगु में डब किया गया था उन्नीस में खान की अभिनीति एक फिल्म रिलीज हुई थी जो कि बागी बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी इसके बाद उन्नीस सौ में तीन सामान्य रूप से सफल फिल्में रहीं और पत्थर के फूल सनम बेवफा कुर्बान उसी बॉस की खान ने संजय दत्त की माधुरी दीक्षित के साथ रोमांटिक ड्रामा साजन में सकलाकार के रूप में काम किया था उसके बाद सुपरस्टार स्टार दबंग खान यानी सलमान खान ने उन्नीस सौ चौरानवे में, में राजकुमार संतोषी की अंदाज अपना अपना में आमिर खान के साथ सहकलाकार में दिखाई दिए थे और दोस्तों बात कर ले सुपर स्टार अभिनेत्री दिशा पटानी यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो कि बॉलीवुड की फिल्म में काम करती है अभिनेत्री दिशा पटानी इनकी भारतीय अभिनेत्री है फिल्म है जो कि भारतीय फिल्म में काम करती है और हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए भी जानी जाती हैं उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत तेलुगु फिल्म लोफर 2015 से की थी जो कि उन्होंने अपनी पहली हिंदी स्पष्ट बायोपिक फिल्म एम एस एम एस धोनी ऑन द टोल स्टोरी 2016 में अपनी भूमिका के लिए पहचान हासिल की थी जिसके लिए उन्होंने सुपर स्टार ऑफ टुमार्टो टुमारो के लिए स्टार ड्रम अवार्ड्स सहित कई पुरस्कार भी जीते हैं फिल्मफेयर में बेस्ट फीमेल डेब्यू के लिए आइफा अवार्ड जीता था और अभिनेत्री दिशा पटानी ने बाद में बाद में चीनी एक्शन कॉमेडी फू योगा 2017 और हिंदी फिल्मों जैसे बागी दो भारत 2019 मंगल 2020 और एक विलेन रिटर्न 2022 में अभिनय किया था दोस्तों बात अभिनेत्री दिशा पटानी पटानी की की शुरुआत ने 2015 में, 2015 में वरुण तेज के साथ एक तेलुगु फिल्म लोफर से शुरुआत की थी और अपने मौनी की भूमिका जो एक लड़की जो जबरन शादी से बचने के लिए घर से भागती है और पूरी जगन्नाथन द्वारा निर्देशित और सी कल्याण द्वारा सी के इंटरटेनमेंट के तहत निर्मित यह एक फिल्म यह एक फिल्म दूसरे मिलियन के बजट पर बनी थी और एक से छ मिलियन के जीवन भर में संग्रह के साथ बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन के खरदा खराब प्रदर्शन के साथ किया था और अगले वर्ष दिशा पटानी टाइगर श्रॉफ के साथ टाइगर श्रॉफ के साथ एक संगीत वीडियो बेफिका में दिखाई दिए थे जिसे टी जिसे टी सीरीज के तहत भूषण कुमार और कृष्णा कुमार द्वारा निर्मित किया गया था और मित ब्रदर्स द्वारा संगीत वृद्ध किया गया था जबकि मित ब्रदर्स द्वारा लिखित और निर्देशित भी किया गया था आदित्य सिंह शर्मा की अपनी आवाज भी दी थी और बात कर ले दोस्तों आदित्य दिशा पटानी अभिनेत्री नीरज पांडे की एम एस धोनी अंडर टोल्ड स्टोरी के साथ अपना व्यवसायिक ब्रेक पाया था जो सुशांत सिंह राजपूत और कियारा आडवाणी के साथ भारतीय क्रिकेटर टीम पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी एम एस धोनी की जीवन पर कहानी आधारित है जीवन पर आधारित फिल्म है और यह फिल्म उन्होंने एम एस धोनी के चरित्र को प्रेमिका प्रियंका चोपड़ा प्रियंका झा की भूमिका निभाई है जिसकी एक कार दुर्घटना के से मृत्यु हो जाती है नीरज पांडे द्वारा निर्देशित और फॉक्स स्टार स्टूडियो द्वारा निर्मित यह फिल्म 30 सितंबर 2016 को रिलीज हुई थी और दूसरे 16 सोलह करोड़ रुपए के अनुमति संग्रह के साथ एक बड़ी हिट थी और यूएस यूएस 27 मिलियन इसके अलावा उन्होंने सोनू सूद के साथ जैक जैकी चैन की कुंग कु योगा में भी अभिनय किया था बात कर ले दोस्तों सुपरस्टार अभिनेत्री दिशा पटानी और सुपरस्टार अभिनेता राधे सुपरस्टार अभिनेता दबंग खान यानी राधे मूवी में जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ नजर आए थे हेलो गाइज आज के इस वीडियो में रिव्यू करेंगे राधे मूवी से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक फैक्टर को बताएंगे और दोस्तों साथ ही साथ राधे मूवी में सुपरस्टार कौन है और इस फिल्म का डायरेक्टर कौन कर रहे हैं और दोस्तों साथ ही साथ इस मूवी ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कितना कमाई की है तो दोस्तों इन सभी इंफॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहें और दोस्तों साथ ही साथ साथ ही साथ राधे मूवी को हिंदी भाषा के साथ दोस्तों यूट्यूब पे देखना चाहते हैं तो दोस्तों हमें नीचे कमेंट करके बतला सकते हैं और दोस्तों साथ ही साथ चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं तब तक, तक दोस्तों आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके साथ ही साथ बेलगन प्रेस कर दे दोस्तों बात करें राधे मूवी एक दो की भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म है जो कि राधे र, राधे फिल्म सुपरस्टार अभिनेता राधे फिल्म में सलमान खान और अभिनेत्री दिशा पटानी रणदीप हुड्डा जैसे श्रॉफ भी अभिनेता जैसे देखने को मिलेगा दोस्तों बात कर ले सुपरस्टार अभिनेता सलमान खान से फिल्म राधे मूवी का डायरेक्टर प्रभु देवा ने किया था जबकि इस फिल्म का लिखित एसी मुगल विजय मौर्या ने इस फिल्म का लिखे थे फिल्म का प्रोड्यूसर सलमान खान सोहेल खान अतुल अग्निहोत्री निखिल निम्तो ने मिलकर इस फिल्म का लेखे प्रोड्यूस किए थे और बात कर ले दोस्तों इस फिल्म का संगीतकार संचित बलहार और अंकित बल्हार ने इस फिल्म का संगीत दिया था जबकि इस फिल्म का गाना साजिद वाजिद और देवी श्री प्रसाद हिमेश रेशमिया द्वारा इसे तैयार किया गया था राधे मूवी का उत्पादक कंपनी जी स्टूडियोज इस द्वारा इसे बनाई गई थी जबकि सलमान खान फिल्म्स सुहेल खान प्रोडक्शन और रियल लाइफ प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसे बनाई गई थी और इस फिल्म का वितरित जी स्टूडियो जी प्लेक्स जी फाइव द्वारा इसे वितरित किया गया था दोस्तों तेरह मई 2021 में रिलीज हुई राधे मूवी का समय सीमा यानी रोनर टाइम एक से पैंतीस मिनट के साथ इंडियन इंडियन सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और दोस्तों बात करें इस फिल्म का हिंदी भाषा के साथ इंडिया में बनाई गई थी बात कर ले दोस्तों राधे मूवी से राधे मूवी ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अट्ठारह पॉइंट करोड़ का कलेक्शन किया था फिल्म राधे में सुपर स्टार अभिनेता सलमान खान और अभिनेत्री दिशा पटानी की जोड़ी ये फिल्म में काफ़ी जबरदस्त चली थी और दोस्तों साथ ही साथ राधे मूवी में सुपर स्टार अभिनेता सलमान खान की फिल्म राधे सितंबर 2019 में मीडिया के रिपोर्ट के अनुसार लगाया गया है कि प्रभु देवा के डायरेक्ट में बनी फिल्म दबंग थ्री को पूरा करने के बाद सलमान खान की अगली परियोजना का निर्देशक करेंगे इस फिल्म की ईद उल फितर दो हज़ार दो मई को अवसर पर रिलीज होगी और तीसरी तारीख को सलमान खान ने सलमान खान ने रुकी हुई फिल्म इन के लिए होने का अनुशासन लगाया गया था यह शीर्षक वांटेड टू है लेकिन निर्माताओं से इसकी पुष्टि नहीं हुई है और अक्टूबर 2019 में फिल्म को सद दो की 2017 की दक्षिण कोरियोग्राफर कोरियोग्राफर फिल्म का रीमेक होने की सूचना मिली थी 18 अक्टूबर 2019 को सलमान खान ने दबंग थ्री के मोशन पोस्टर के माध्यम से राधे मूवी में फिल्म के शीर्षक का खुलासा किया था दोस्तों बात कर ले फिल्म की फिल्माने फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी नवंबर 2021 में शुरू हुई थी जबकि नवंबर 2019 में शुरू हुई थी जबकि फिल्म का पहला शेड्यूल 4 नवंबर को मुंबई में महबू स्टूडियो में हुआ था खान के खान ने सेट पर कलाकारों के चालक दल के सदस्य के लिए एक नए निर्देशक दिशा एक नए दिशा निर्देशक पेश किए थे जो सेट पर अनुशासन बनाए रखने के और नए लोगों का या जूनियर की मदद करने के लिए एक दोस्त प्रणाली बनाए रखने पर जोर देने के लिए थे फिल्म का दूसरा शेड्यूल 21 जनवरी 2020 को गोवा में हुआ था जबकि यह गाना यह खान और हुड्डा के कुछ पिछला पीछा करने वाले दृश्य फिल्माए गए थे क्लाइमैक्स शॉट के लिए निर्माताओं की दृश्य प्रभाव पर 7.5 करोड़ रुपये की खर्च की थी और फिल्म की शूटिंग 21 फरवरी 2020 तक पूरी होनी थी और लेकिन निर्माताओं ने थाईलैंड में एक और शेड्यूल योजना बनाई थी जिसे बाद में कोविड 19 महामारी के रूप में रद्द कर दिया गया था दोस्तों बात करें फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता सलमान खान यानी दबंग खान यह बॉलीवुड के सुपरस्टार अभिनेता हैं इनकी करियर की शुरुआत बात करें तो दोस्तों सुपरस्टार अभिनेता सलमान खान यह भारतीय फिल्म यह भारतीय फिल्म का अभिनेता है खान ने अपने अभिनय की शुरुआत उन्नीस सौ अट्ठासी की आई फिल्म बीबी हो तो ऐसी से की थी जिन्हों जिसमें उन्होंने एक सहायक भूमिका निभाई थी और उन्होंने सूरज आर बाडजाता की रोमांस परिवार ड्रामा मैंने प्यार किया उन्नीस सौ नवासी में एक प्रमुख भूमिका में थी जो उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई थी इसने उनके इसने उन्हें उसी समारोह में सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण के लिए नामांकन के साथ साथ फिल्मफेयर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला नामांकन अर्जित किया था बाद वाले सूरज आर भाटज को सम्मानित किया गया और फिल्म मैंने प्यार किया को अंग्रेजी में वेन लॉ क्लॉस ओ और एसपेसन में तो आमो और तेलुगु में डब किया गया था उन्नीस सौ नब्बे में खान की अभिनीति एक फिल्म रिलीज हुई थी जो कि बागी बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी इसके बाद उन्नीस सौ इक्यानवे में तीन सामान्य रूप से सफल फिल्में रही और पत्थर के फूल सनम बेवफा कुर्बान उसी बस की खान ने संजय दत्त की माधुरी दीक्षित के साथ रोमांटिक ड्रामा साजन में सहकलाकार के रूप में काम किया था उसके बाद सुपरस्टार दबंग खान यानी सलमान खान ने उन्नीस सौ चौरानवे में, में राजकुमार संतोषी की अंदाज अपना अपना में आमिर खान के साथ सहकलाकार में दिखाई दिए थे और दोस्तों बात कर ले सुपर स्टार अभिनेत्री दिशा पटानी यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो कि बॉलीवुड की फिल्म में काम करती है अभिनेत्री दिशा पटानी इनकी भारतीय अभिनेत्री है फिल्म है जो कि भारतीय फिल्म में काम करती है और हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए भी जानी जाती हैं। उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत तेलुगु फिल्म लो फॉर दो से की थी जो कि उन्होंने अपनी पहली हिंदी स्पष्ट बायोपिक फिल्म एम एस एम एस धोनी ऑन द टोल्ड स्टोरी 2016 में अपनी भूमिका के लिए पहचान हासिल की थी जिसके लिए उन्होंने सुपरस्टार ऑफ टुमार्टो टुमारो के लिए स्टार ड्रम अवार्ड्स सहित कई पुरस्कार भी जीते हैं फेयर में बेस्ट फीमेल डेब्यू के लिए आइफा अवार्ड जीता था और अभिनेत्री दिशा पटानी ने बाद में बाद में चीनी एक्शन कॉमेडी कु फू योगा 2017 और हिंदी फिल्मों जैसे बागी दो 2018 भारत 2019 मंगल 2020 और एक विलेन रिटर्न्स 2022 में अभिनय किया था दोस्तों बात कर ले अभिनेत्री दिशा पटानी की कैरियर की शुरुआत पटानी ने 2015 में 2015 में वरुण तेज के साथ एक तेलुगु फिल्म लोफर से शुरुआत की थी और अपने मौनी की भूमिका जो एक लड़की जो जबरन शादी से बचने के लिए घर से भागती है और पूरी जगन्नाथन द्वारा निर्देशित और सी कल्याण द्वारा सी के इंटरटेनमेंट के तहत निर्मित यह एक फिल्म दो यह एक फिल्म दो मिलियन के बजट पर बनी थी और एक से छ मिलियन के जीवन भर में संग्रह के साथ बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन के खरदा खराब प्रदर्शन के साथ किया था और अगले वर्ष दिशा पटानी टाइगर श्रॉफ के साथ टाइगर श्रॉफ के साथ एक संगीत वीडियो बेफिका में दिखाई दिए थे जिसे टी जिसे टी सीरीज के तहत भूषण कुमार और कृष्णा कुमार द्वारा निर्मित किया गया था और मित ब्रदर्स द्वारा संगीत वृद्ध किया गया था जबकि मित ब्रदर्स द्वारा लिखित और निर्देशित भी किया गया था अदित सिंह शर्मा की अपनी आवाज भी दी थी और बात कर ले दोस्तों अधित दिशा पटानी अभिनेत्री नीरज पांडे की एम एस धोनी अंडर टोल्ड स्टोरी के साथ अपना व्यवसायिक ब्रेक पाया था जो सुशांत सिंह राजपूत और कियारा आडवाणी के साथ भारतीय क्रिकेटर टीम पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी एम एस धोनी की जीवन पर कहानी आधारित है जीवन पर आधारित फिल्म है और यह फिल्म उन्होंने एम एस धोनी के चरित्र को प्रेमिका प्रियंका चोपड़ा प्रियंका झा की भूमिका निभाई है जिसकी एक कार दुर्घटना के से मृत्यु हो जाती है नीरज पांडे द्वारा निर्देशित और फॉक्स स्टार स्टूडियो द्वारा निर्मित यह फिल्म 30 सितंबर 2016 को रिलीज हुई थी और दो सौ सोलह करोड़ रुपए के अनुमति संग्रह के साथ एक बड़ी हिट थी और यूएस यूएस ट्वेंटी सेवन मिलियन इसके अलावा उन्होंने सोनू सूद के साथ जैक, जैकी चैन की कुंगो, कुंगो योगा में भी अभिनय किया था बात कर ले दोस्तों सुपर स्टार अभिनेत्री दिशा पटानी और सुपर स्टार अभिनेता राधे सुपर स्टार अभिनेता दबंग खान यानी राधे मूवी में जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ नजर आए थे हेलो गाइस आज के इस वीडियो में रिव्यू करेंगे राधे मूवी से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक फैक्टर को बतलाएंगे और दोस्तों साथ ही साथ राधे मूवी में सुपरस्टार कौन है और इस फिल्म का डायरेक्टर कौन कर रहे हैं और दोस्तों साथ ही साथ इस मूवी ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कितना कमाई की है तो दोस्तों इन सभी इंफॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहें और दोस्तों साथ ही साथ साथ ही साथ राधे मूवी को हिंदी भाषा के साथ दोस्तों यूट्यूब पे देखना चाहते हैं तो दोस्तों हमें नीचे कमेंट करके बतला सकते हैं और दोस्तों साथ ही साथ चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं तब तक दोस्तों आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके साथ ही साथ बेलगन प्रेस कर दे दोस्तों बात करें राधे मूवी एक दो की भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म है जो कि राधे राधे फिल्म सुपरस्टार अभिनेता राधे फिल्म में सलमान खान और अभिनेत्री दिशा पटानी रणदीप हुड्डा जैसे श्रॉफ भी अभिनेता जैसे देखने को मिलेगा दोस्तों बात कर ले सुपर अभिनेता सलमान खान से ये फिल्म राधे मूवी का डायरेक्टर प्रभु देवा ने किया था जबकि इस फिल्म का लिखित एसी मुगल विजय मौर्या ने इस फिल्म का लिखे थे फिल्म का प्रोड्यूसर सलमान खान सोहेल खान अतुल अग्निहोत्री निखिल निम्तो ने मिलकर इस फिल्म का लेखे प्रोड्यूस किए थे और बात कर ले दोस्तों इस फिल्म का संगीतकार संचित बलहार और अंकित बलहार ने इस फिल्म का संगीत दिया था जबकि इस फिल्म का गाना साजिद वाजिद और देवी श्री प्रसाद हिमेश रेशमिया द्वारा इसे तैयार किया गया था राधे मूवी का उत्पादक कंपनी जी स्टूडियोज द्वारा इसे बनाई गई थी जबकि सलमान खान फिल्म्स सोहेल खान प्रोडक्शन और रियल लाइफ प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसे बनाई गई थी और इस फिल्म का वितरित जी स्टूडियो जी प्लेक्स जी फाइव द्वारा इसे वितरित किया गया था दोस्तों तेरह मई 2021 में रिलीज हुई राधे मूवी का समय सीमा यानी रोनर टाइम एक से पैंतीस मिनट के साथ इंडियन इंडियन सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और दोस्तों बात करें इस फिल्म का हिंदी भाषा के साथ इंडिया में बनाई गई थी बात कर ले दोस्तों राधे मूवी से राधे मूवी ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अट्ठारह पॉइंट करोड़ का कलेक्शन किया था फिल्म राधे में सुपर स्टार अभिनेता सलमान खान और अभिनेत्री दिशा पटानी की जोड़ी ये फिल्म में काफ़ी जबरदस्त चली थी और दोस्तों साथ ही साथ राधे मूवी में सुपर स्टार अभिनेता सलमान खान की फिल्म राधे सितंबर 2019 में मीडिया के रिपोर्ट के अनुसार लगाया गया है कि प्रभु देवा के डायरेक्ट में बनी फिल्म दबंग थ्री को पूरा करने के बाद सलमान खान की अगली परियोजना का निर्देशक करेंगे इस फिल्म की ईद उल फितर दो हज़ार दो हज़ार बीस बाईस मई को अवसर पर रिलीज होगी और तीसरी तारीख को सलमान खान ने सलमान खान ने रुकी हुई फिल्म इन के लिए होने का अनुशासन लगाया गया था यह शीर्षक वांटेड टू है लेकिन निर्माताओं से इसकी पुष्टि नहीं हुई है और अक्टूबर 2019 में फिल्म को 2017 दो की 2017 की दक्षिण कोरियोग्राफर कोरियोग्राफर फिल्म का रीमेक होने की सूचना मिली थी 18 अक्टूबर 2019 को सलमान खान ने दबंग थ्री के मोशन पोस्टर के माध्यम से राधे मूवी में फिल्म के शीर्षक का खुलासा किया था दोस्तों बात कर ले फिल्म की फिल्माने फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी नवंबर 2021 में शुरू हुई थी जबकि नवंबर 2019 में शुरू हुई थी जबकि फिल्म का पहला शेड्यूल 4 नवंबर को मुंबई में महबूब स्टूडियो में हुआ था खान के खान ने सेट पर कलाकारों के चालक दल के सदस्य के लिए एक नए निर्देशक दिशा एक नए दिशा निर्देशक पेश किए थे जो सेट पर अनुशासन बनाए रखने के और नए लोगों का या जूनियर की मदद करने के लिए एक दोस्त प्रणाली बनाए रखने पर जोर देने के लिए थे फिल्म का दूसरा शेड्यूल 21 जनवरी 2020 को गोवा में हुआ था जबकि यह गाना यह खान और हुड्डा के कुछ पिछला पीछा करने वाले दृश्य फिल्म आए गए थे क्लाइमैक्स शॉट के लिए निर्माताओं की दृश्य प्रभावों पर, पर 7.5 करोड़ रुपये की खर्च की थी और फिल्म की शूटिंग 21 फरवरी 2020 तक पूरी होनी थी और लेकिन निर्माताओं ने थाईलैंड में एक और शेड्यूल योजना बनाई थी जिसे बाद में कोविड 19 महामारी के रूप में रद्द कर दिया गया था दोस्तों बात करें फिल्म में सुपर स्टार अभिनेता सलमान खान यानी दबंग खान यह बॉलीवुड के सुपर स्टार अभिनेता हैं इनकी कैरियर की शुरुआत बात करें तो दोस्तों सुपर स्टार अभिनेता सलमान खान यह भारतीय फिल्म यह भारतीय फिल्म का अभिनेता है खान ने अपने अभिनय की शुरुआत उन्नीस सौ अट्ठासी की आई फिल्म बी हो तो ऐसी से की थी जिन्हों जिसमें उन्होंने एक सहायक भूमिका निभाई थी और उन्होंने सूरज आर भाटजाता की रोमांस परिवार ड्रामा मैंने प्यार किया उन्हें से नवासी में एक प्रमुख भूमिका में थी जो उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई थी इसने उनके इसने उन्हें उसी समारोह में सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण के लिए नामांकन के साथ साथ फिल्मफेयर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला नामांकन अर्जित किया था बाद वाले सूरज आर भारत्य को सम्मानित किया गया और फिल्म मैंने प्यार किया को अंग्रेजी में वेन लव क्लस ओ और एस्पेसन में तो आमो और तेलुगु में डब किया गया था उन्नीस सौ नब्बे में खान की अभिनीति एक फिल्म रिलीज हुई थी जो कि बागी बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी इसके बाद उन्नीस सौ इक्यानवे में तीन सामान्य रूप से सफल फिल्में रही और पत्थर के फूल सनम बेवफा कुर्बान उसी बॉस की खान ने संजय दत्त की माधुरी दीक्षित के साथ रोमांटिक ड्रामा साजन में कलाकार के रूप में काम किया था उसके बाद सुपरस्टार स्टार दबंग खान यानी सलमान खान ने उन्नीस सौ चौरानवे में राजकुमार संतोषी की अंदाज अपना अपना में आमिर खान के साथ सहकलाकार में दिखाई दिए थे और दोस्तों बात कर ले सुपर स्टार अभिनेत्री दिशा पटानी यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो कि बॉलीवुड की फिल्म में काम करती है अभिनेत्री दिशा पटानी इनकी भारतीय अभिनेत्री है फिल्म है जो कि भारतीय फिल्म में काम करती है और हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए भी जानी जाती हैं उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत तेलुगु फिल्म लोफर 2015 से की थी जो कि उन्होंने अपनी पहली हिंदी स्पष्ट बायोपिक फिल्म एम एस एम एस धोनी ऑन द टोल्ड स्टोरी 2016 में अपनी भूमिका के लिए पहचान हासिल की थी जिसके लिए उन्होंने सुपर स्टार ऑफ टुमार्टो टुमारो के लिए स्टार ड्राम अवार्ड्स सहित कई पुरस्कार भी जीते हैं फिल्मफेयर में बेस्ट फीमेल डेब्यू के लिए आइफा अवार्ड जीता था और अभिनेत्री दिशा पटानी ने बाद में बाद में चीनी एक्शन कॉमेडी फू योगा 2017 और हिंदी फिल्मों जैसे बागी दो 2018, भारत 2019 मंगल 2020 और एक विलेन रिटर्न्स 2022 में अभिनय किया था दोस्तों बात अभिनेत्री पटानी की की शुरुआत पटानी ने 2015 में, 2015 में में वरुण तेज के साथ एक तेलुगु फिल्म लोफर से शुरुआत की थी और अपने मौनी की भूमिका जो एक लड़की जो जबरन शादी से बचने के लिए घर से भागती है और पूरी जगन्नाथन द्वारा निर्देशित और सी कल्याण द्वारा सी के इंटरटेनमेंट के तहत निर्मित यह एक फिल्म यह एक फिल्म दूसरे मिलियन के बजट पर बनी थी और एक से छ मिलियन के जीवन भर में संग्रह के साथ बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन के खरदा खराब प्रदर्शन के साथ किया था और अगले वर्ष दिशा पटानी टाइगर श्रॉफ के साथ टाइगर श्रॉफ के साथ एक संगीत वीडियो बेफिका में दिखाई दिए थे जिसे टी जिसे टी सीरीज के तहत भूषण कुमार और कृष्णा कुमार द्वारा निर्मित किया गया था और मित ब्रदर्स द्वारा संगीत वृद्ध किया गया था जबकि मित ब्रदर्स द्वारा लिखित और निर्देशित भी किया गया था आदित्य सिंह शर्मा की अपनी आवाज भी दी थी और बात कर ले दोस्तों आदित्य दिशा पटानी अभिनेत्री नीरज पांडे की एम एस धोनी अंडर स्टोरी के साथ अपना व्यवसायिक ब्रेक पाया था जो सुशांत सिंह राजपूत और कियारा आडवाणी के साथ भारतीय क्रिकेटर टीम पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी एम एस धोनी की जीवन पर कहानी आधारित है जीवन पर आधारित फिल्म है और यह फिल्म उन्होंने एम एस धोनी के चरित्र को प्रेमिका प्रियंका चोपड़ा प्रियंका झा की भूमिका निभाई है जिसकी एक कार दुर्घटना के से मृत्यु हो जाती है नीरज पांडे द्वारा निर्देशित और फॉक्स स्टार स्टूडियो द्वारा निर्मित यह फिल्म 30 सितंबर 2016 को रिलीज हुई थी और दूसरे 16 सोलह करोड़ रुपए के अनुमति संग्रह के साथ एक बड़ी हिट थी और यूएस यूएस 27 मिलियन इसके अलावा उन्होंने सोनू सूद के साथ जय जैक, जैकी चैन की कुंगू फू योगा में भी अभिनय किया था बात कर ले दोस्तों सुपर स्टार अभिनेत्री दिशा पाटनी और सुपर स्टार अभिनेता राधे सुपर स्टार अभिनेता दबंग खान यानी राधे मूवी में जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ नजर आए थे हेलो गाइज आज के इस वीडियो में रिव्यू करेंगे राधे मूवी से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक फैक्टर को बतलाएंगे और दोस्तों साथ ही साथ राधे मूवी में सुपरस्टार कौन है और इस फिल्म का डायरेक्टर कौन कर रहे हैं और दोस्तों साथ ही साथ इस मूवी ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कितना कमाई की है तो दोस्तों इन सभी इंफॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहें और दोस्तों साथ ही साथ साथ ही साथ राधे मूवी को हिंदी भाषा के साथ दोस्तों यूट्यूब पे देखना चाहते हैं तो दोस्तों हमें नीचे कमेंट करके बतला सकते हैं और दोस्तों साथ ही साथ चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं तब तक दोस्तों आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके साथ ही साथ बेलगन प्रेस कर दे दोस्तों बात करें राधे मूवी एक दो की भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म है जो कि राधे र, राधे फिल्म सुपर स्टार अभिनेता राधे फिल्म में सलमान खान और अभिनेत्री दिशा पटानी रणदीप भी अभिनेता जैसे देखने को मिलेगा दोस्तों बात कर ले सुपर स्टार अभिनेता सलमान खान से फिल्म राधे मूवी का डायरेक्टर प्रभु देवा ने किया था जबकि इस फिल्म का लिखित एसी मुगल विजय मौर्या ने इस फिल्म का लिखे थे फिल्म का प्रोड्यूसर सलमान खान सोहेल खान अतुल अग्निहोत्री निखिल निम्तो ने मिलकर इस फिल्म का लेखे प्रोड्यूस किए थे और बात कर ले दोस्तों इस फिल्म का संगीतकार संचित बलहार और अंकित बलहार ने इस फिल्म का संगीत दिया था जबकि इस फिल्म का गाना साजिद वाजिद और देवी श्री प्रसाद हिमेश रेशमिया द्वारा इसे तैयार किया गया था राधे मूवी का उत्पादक कंपनी जी स्टूडियोज द्वारा इसे बनाई गई थी जबकि सलमान खान फिल्म्स सोहेल खान प्रोडक्शन और रियल लाइफ प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसे बनाई गई थी और इस फिल्म का वितरित जी स्टूडियो जी प्लेक्स जी फाइव द्वारा इसे वितरित किया गया था दोस्तों तेरह मई 2021 में रिलीज हुई राधे मूवी का समय सीमा यानी रोनर टाइम एक से पैंतीस मिनट के साथ इंडियन इंडियन सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और दोस्तों बात करें इस फिल्म का हिंदी भाषा के साथ इंडिया में बनाई गई थी बात कर ले दोस्तों राधे मूवी से राधे मूवी ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अट्ठारह पॉइंट करोड़ का कलेक्शन किया था फिल्म राधे में सुपर स्टार अभिनेता सलमान खान और अभिनेत्री दिशा पटानी की जोड़ी ये फिल्म में काफ़ी जबरदस्त चली थी और दोस्तों साथ ही साथ राधे मूवी में सुपर स्टार अभिनेता सलमान खान की फिल्म राधे सितंबर 2019 में मीडिया के रिपोर्ट के अनुसार लगाया गया है कि प्रभु देवा के डायरेक्ट में बनी फिल्म दबंग थ्री को पूरा करने के बाद सलमान खान की अगली परियोजना का निर्देशक करेंगे इस फिल्म की ईद उल फितर दो हजार दो बाईस मई को अवसर पर रिलीज होगी और तीसरी तारीख को सलमान खान ने सलमान खान ने रुकी हुई फिल्म इन के लिए होने का अनुशासन लगाया गया था यह शीर्षक वांटेड टू है लेकिन निर्माताओं से इसकी पुष्टि नहीं हुई है और अक्टूबर 2019 में फिल्म को 2017 दो की 2017 की दक्षिण कोरियोग्राफर कोरियोग्राफर फिल्म का रीमेक होने की सूचना मिली थी 18 अक्टूबर 2019 को सलमान खान ने दबंग थ्री के मोशन पोस्टर के माध्यम से राधे मूवी में फिल्म के शीर्षक का खुलासा किया था दोस्तों बात कर ले फिल्म की फिल्माने फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी नवंबर 2021 में शुरू हुई थी जबकि नवंबर 2019 में शुरू हुई थी जबकि फिल्म का पहला शेड्यूल चार नवंबर को मुंबई में महबूब स्टूडियो में हुआ था खान के खान ने सेट पर कलाकारों के चालक दल के सदस्य के लिए एक नए निर्देशक दिशा एक नए दिशा निर्देशक पेश किए थे जो सेट पर अनुशासन बनाए रखने के और नए लोगों का या जूनियर की मदद करने के लिए एक दोस्त प्रणाली बनाए रखने पर जोर देने के लिए थे फिल्म का दूसरा शेड्यूल 21 जनवरी 2020 को गोवा में हुआ था जबकि यह गाना यह खान और हुड्डा के कुछ पिछला पीछा करने वाले दृश्य फिल्माए गए थे क्लाइमैक्स शॉट के लिए निर्माताओं की दृश्य प्रभाव पर, पर 7.5 करोड़ रुपये की खर्च की थी और फिल्म की शूटिंग 21 फरवरी 2020 तक पूरी होनी थी और लेकिन निर्माताओं ने थाईलैंड में एक और शेड्यूल योजना बनाई थी जिसे बाद में कोविड 19 महामारी के रूप में रद्द कर दिया गया था दोस्तों बात करें फिल्म में सुपर स्टार अभिनेता सलमान खान यानी दबंग खान यह बॉलीवुड के सुपर स्टार अभिनेता हैं इनकी करियर की शुरुआत बात करें तो दोस्तों सुपर स्टार अभिनेता सलमान खान यह भारतीय फिल्म यह भारतीय फिल्म का अभिनेता है खान ने अपने अभिनय की शुरुआत उन्नीस सौ अट्ठासी की आई फिल्म बी हो तो ऐसी से की थी जिन्हों जिसमें उन्होंने एक सहायक भूमिका निभाई थी और उन्होंने सूरज आर भाटजाता की रोमांस परिवार ड्रामा मैंने प्यार किया उन्नीस से नवासी में एक प्रमुख भूमिका में थी जो उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई थी इसने उनके इसने उन्हें उसी समारोह में सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण के लिए नामांकन के साथ साथ फिल्म फिल्मफेयर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला नामांकन अर्जित किया था बाद वाले सूरज आर भाटज को सम्मानित किया गया और फिल्म मैंने प्यार किया को अंग्रेजी में वेन लो क्लस ओ और एस्पेसन में तो आमो और तेलुगु में डब किया गया था उन्नीस में खान की अभिनीति एक फिल्म रिलीज हुई थी जो कि बागी बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी इसके बाद उन्नीस सौ में तीन सामान्य रूप से सफल फिल्में रहीं और पत्थर के फूल सनम बेवफा कुर्बान उसी बॉस की खान ने संजय दत्त की माधुरी दीक्षित के साथ रोमांटिक ड्रामा साजन में सकलाकार के रूप में काम किया था उसके बाद सुपरस्टार स्टार दबंग खान यानी सलमान खान ने उन्नीस सौ चौरानवे में, में राजकुमार संतोषी की अंदाज अपना अपना में आमिर खान के साथ सहकलाकार में दिखाई दिए थे और दोस्तों बात कर ले सुपर स्टार अभिनेत्री दिशा पटानी यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो कि बॉलीवुड की फिल्म में काम करती है अभिनेत्री दिशा पटानी इनकी भारतीय अभिनेत्री है फिल्म है जो कि भारतीय फिल्म में काम करती है और हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए भी जानी जाती हैं उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत तेलुगु फिल्म लोफर 2015 से की थी जो कि उन्होंने अपनी पहली हिंदी स्पष्ट बायोपिक फिल्म एम एस एम एस धोनी ऑन द टोल्ड स्टोरी 2016 में अपनी भूमिका के लिए पहचान हासिल की थी जिसके लिए उन्होंने सुपर स्टार ऑफ टुमाटो टुमारो के लिए स्टार ड्रम अवार्ड्स सहित कई पुरस्कार भी जीते हैं फिल्मफेयर में बेस्ट फीमेल डेब्यू के लिए आइफा अवार्ड जीता था और अभिनेत्री दिशा पटानी ने बाद में बाद में चीनी एक्शन कॉमेडी फू योगा 2017 और हिंदी फिल्मों जैसे बागी दो भारत 2019 मंगल 2020 और एक विलेन रिटर्न्स 2022 में अभिनय किया था दोस्तों बात अभिनेत्री दिशा पटानी की की शुरुआत पटानी ने 2015 2015 में में तेज के साथ एक तेलुगु फिल्म लोफर से शुरुआत की थी और अपने मोनी की भूमिका जो एक लड़की जो जबरन शादी से बचने के लिए घर से भागती है और पूरी जगन्नाथन द्वारा निर्देशित और सी कल्याण द्वारा सी के इंटरटेनमेंट के तहत निर्मित यह एक फिल्म यह एक फिल्म दूसरे मिलियन के बजट पर बनी थी और एक से छ मिलियन के जीवन भर में संग्रह के साथ बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन के खरदा खराब प्रदर्शन के साथ किया था और अगले वर्ष दिशा पटानी टाइगर श्रॉफ के साथ टाइगर श्रॉफ के साथ एक संगीत वीडियो में दिखाई दिए थे जिसे टी जिसे टी सीरीज के तहत भूषण कुमार और कृष्णा कुमार द्वारा निर्मित किया गया था और मित ब्रदर्स द्वारा संगीत वृद्ध किया गया था जबकि मित ब्रदर्स द्वारा लिखित और निर्देशित भी किया गया था आदित्य सिंह शर्मा की अपनी आवाज भी दी थी और बात कर ले दोस्तों आदित्य दिशा पटानी अभिनेत्री नीरज पांडे की एम एस धोनी अंडर टोल्ड स्टोरी के साथ अपना व्यवसायिक ब्रेक पाया था जो सुशांत सिंह राजपूत और कियारा आडवाणी के साथ भारतीय क्रिकेटर टीम पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी एम एस धोनी की जीवन पर कहानी आधारित है जीवन पर आधारित फिल्म है और यह फिल्म उन्होंने एम एस धोनी के चरित्र को प्रेमिका प्रियंका चोपड़ा प्रियंका झा की भूमिका निभाई है जिसकी एक कार दुर्घटना के से मृत्यु हो जाती है नीरज पांडे द्वारा निर्देशित और फॉक्स स्टार स्टूडियो द्वारा निर्मित यह फिल्म 30 सितंबर 2016 को रिलीज हुई थी और दूसरे 16 सोलह करोड़ यूपीए के अनुमति संग्रह के साथ एक बड़ी हिट थी और यूएस यूएस 27 मिलियन इसके अलावा उन्होंने सोनू सूद के साथ जय जैक, जैकी चैन की कुंग योगा में भी अभिनय किया था बात कर ले दोस्तों सुपर स्टार अभिनेत्री दिशा पटानी और सुपर स्टार अभिनेता राधे सुपर स्टार अभिनेता दबंग खान यानी राधे मूवी में जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ नजर आए थे हेलो गाइज आज के इस वीडियो में रिव्यू करेंगे राधे मूवी से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक फैक्टर को बताएंगे और दोस्तों साथ ही साथ राधे मूवी में सुपरस्टार कौन है और इस फिल्म का डायरेक्टर कौन कर रहे हैं और दोस्तों साथ ही साथ इस मूवी ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कितना कमाई की है तो दोस्तों इन सभी इंफॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहें और दोस्तों साथ ही साथ साथ ही साथ राधे मूवी को हिंदी भाषा के साथ दोस्तों यूट्यूब पे देखना चाहते हैं तो दोस्तों हमें नीचे कमेंट करके बतला सकते हैं और दोस्तों साथ ही साथ चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं तब तक दोस्तों आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके साथ ही साथ बेलगन प्रेस कर दे दोस्तों बात करें राधे मूवी एक दो की भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म है जो कि राधे र, राधे फिल्म सुपरस्टार अभिनेता राधे फिल्म में सलमान खान और अभिनेत्री दिशा पटानी रणदीप हुड्डा जैसे जैकी श्रॉफ भी अभिनेता जैसे देखने को मिलेगा दोस्तों बात कर ले सुपर अभिनेता सलमान खान से ये फिल्म राधे मूवी का डायरेक्टर प्रभु देवा ने किया था जबकि इस फिल्म का लिखित एसी मुगल विजय मौर्या ने इस फिल्म का लिखे थे फिल्म का प्रोड्यूसर सलमान खान सोहेल खान अतुल अग्निहोत्री निखिल निम्तो ने मिलकर इस फिल्म का लेखे प्रोड्यूस किए थे और बात कर ले दोस्तों इस फिल्म का संगीतकार संचित बलहार और अंकित बलहार ने इस फिल्म का संगीत दिया था जबकि इस फिल्म का गाना साजिद वाजिद और देवी श्री प्रसाद हिमेश रेशमिया द्वारा इसे तैयार किया गया था राधे मूवी का उत्पादक कंपनी जी स्टूडियोज द्वारा इसे बनाई गई थी जबकि सलमान खान फिल्म्स सुहेल खान प्रोडक्शन और रियल लाइफ प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसे बनाई गई थी और इस फिल्म का वितरित जी स्टूडियो जी प्लेक्स जी फाइव द्वारा इसे वितरित किया गया था दोस्तों तेरह मई 2021 में रिलीज हुई राधे मूवी का समय सीमा यानी रोनर टाइम एक से पैंतीस मिनट के साथ इंडियन इंडियन सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और दोस्तों बात करें इस फिल्म का हिंदी भाषा के साथ इंडिया में बनाई गई थी बात कर ले दोस्तों राधे मूवी से राधे मूवी ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अट्ठारह पॉइंट करोड़ का कलेक्शन किया था फिल्म राधे में सुपर स्टार अभिनेता सलमान खान और अभिनेत्री दिशा पटानी की जोड़ी ये फिल्म में काफ़ी जबरदस्त चली थी और दोस्तों साथ ही साथ राधे मूवी में सुपर स्टार अभिनेता सलमान खान की फिल्म राधे सितंबर 2019 में मीडिया के रिपोर्ट के अनुसार लगाया गया है कि प्रभु देवा के डायरेक्ट में बनी फिल्म दबंग थ्री को पूरा करने के बाद सलमान खान की अगली परियोजना का निर्देशक करेंगे इस फिल्म की ईद उल फितर दो हज़ार दो मई को अवसर पर रिलीज होगी और तीसरी तारीख को सलमान खान ने सलमान खान ने रुकी हुई फिल्म इन के लिए होने का अनुशासन लगाया गया था यह शीर्षक वांटेड टू है लेकिन निर्माताओं से इसकी पुष्टि नहीं हुई है और अक्टूबर 2019 में फिल्म को सद दो की 2017 की दक्षिण कोरियोग्राफर कोरियोग्राफर फिल्म का रीमेक होने की सूचना मिली थी 18 अक्टूबर 2019 को सलमान खान ने दबंग थ्री के मोशन पोस्टर के माध्यम से राधे मूवी में फिल्म के शीर्षक का खुलासा किया था दोस्तों बात कर ले फिल्म की फिल्माने फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी नवंबर 2021 में शुरू हुई थी जबकि नवंबर 2019 में शुरू हुई थी जबकि फिल्म का पहला शेड्यूल 4 नवंबर को मुंबई में महबू स्टूडियो में हुआ था खान के खान ने सेट पर कलाकारों के चालक दल के सदस्य के लिए एक नए निर्देशक दिशा एक नए दिशा निर्देशक पेश किए थे जो सेट पर अनुशासन बनाए रखने के और नए लोगों का या जूनियर की मदद करने के लिए एक दोस्त प्रणाली बनाए रखने पर जोर देने के लिए थे फिल्म का दूसरा शेड्यूल 21 जनवरी 2020 को गोवा में हुआ था जबकि यह गाना यह खान और हुड्डा के कुछ पिछला पीछा करने वाले दृश्य फिल्माए गए थे क्लाइमैक्स शॉट के लिए निर्माताओं की दृश्य प्रभावों पर, पर 7.5 करोड़ रुपये की खर्च की थी और फिल्म की शूटिंग 21 फरवरी 2020 तक पूरी होनी थी और लेकिन निर्माताओं ने थाईलैंड में एक और शेड्यूल योजना बनाई थी जिसे बाद में कोविड 19 महामारी के रूप में रद्द कर दिया गया था दोस्तों बात करें फिल्म में सुपर स्टार अभिनेता सलमान खान यानी दबंग खान यह बॉलीवुड के सुपरस्टार अभिनेता हैं इनकी करियर की शुरुआत बात करें तो दोस्तों सुपरस्टार अभिनेता सलमान खान यह भारतीय फिल्म यह भारतीय फिल्म का अभिनेता है खान ने अपने अभिनय की शुरुआत उन्नीस सौ अट्ठासी की आई फिल्म बीबी हो तो ऐसी से की थी जिन्हों जिसमें उन्होंने एक सहायक भूमिका निभाई थी और उन्होंने सूरज आर बाडजाता की रोमांस परिवार ड्रामा मैंने प्यार किया उन्नीस सौ नवासी में एक प्रमुख भूमिका में थी जो उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई थी इसने उनके इसने उन्हें उसी समारोह में सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण के लिए नामांकन के साथ साथ फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला नामांकन अर्जित किया था बाद वाले सूरज आर भाज्य को सम्मानित किया गया और फिल्म मैंने प्यार किया को अंग्रेजी में वेन लव क्लस ओ और एसपेसन में तो आमो और तेलुगु में डब किया गया था उन्नीस सौ नब्बे में खान की अभिनीति एक फिल्म रिलीज हुई थी जो कि बागी बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी इसके बाद उन्नीस सौ इक्यानवे में तीन सामान्य रूप से सफल फिल्में रही और पत्थर के फूल शनम बेवफा कुर्बान उसी बस की खान ने संजय दत्त की माधुरी दीक्षित के साथ रोमांटिक ड्रामा साजन में सहकलाकार के रूप में काम किया था उसके बाद सुपरस्टार दबंग खान यानी सलमान खान ने उन्नीस सौ चौरानवे में राजकुमार संतोषी की अंदाज अपना अपना में आमिर खान के साथ सहकलाकार में दिखाई दिए थे और दोस्तों बात कर ले सुपर स्टार अभिनेत्री दिशा पटानी यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो कि बॉलीवुड की फिल्म में काम करती है अभिनेत्री दिशा पटानी इनकी भारतीय अभिनेत्री है फिल्म है जो कि भारतीय फिल्म में काम करती है और हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए भी जानी जाती हैं उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत तेलुगु फिल्म लोफर 2015 से की थी जो कि उन्होंने अपनी पहली हिंदी स्पष्ट बायोपिक फिल्म एम एस एम एस धोनी ऑन द टोल्ड स्टोरी 2016 में अपनी भूमिका के लिए पहचान हासिल की थी जिसके लिए उन्होंने सुपर स्टार ऑफ टुमारो टुमारो के लिए स्टार ड्रम अवार्ड्स सहित कई पुरस्कार भी जीते हैं फिल्मफेयर में बेस्ट फीमेल डेब्यू के लिए आइफा अवार्ड जीता था और अभिनेत्री दिशा पटानी ने बाद में बाद में चीनी एक्शन कॉमेडी कु योगा 2017 और हिंदी फिल्मों जैसे बागी टू दो 2018 भारत 2019 मंगल 2020 और एक विलेन रिटर्न्स 2022 में अभिनय किया था दोस्तों बात कर ले अभिनेत्री दिशा पटानी की कैरियर की शुरुआत पटानी ने 2015 में 2015 में वरुण तेज के साथ एक तेलंगू फिल्म लोफर से शुरुआत की थी और अपने मौनी की भूमिका जो एक लड़की जो जबरन शादी से बचने के लिए घर से भागती है और पूरी जगन्नाथन द्वारा निर्देशित और सी कल्याण द्वारा सी के इंटरटेनमेंट के तहत निर्मित यह एक फिल्म दो यह एक फिल्म दूसरे मिलियन के बजट पर बनी थी और एक से छ मिलियन के जीवन भर में संग्रह के साथ बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन के खरदा खराब प्रदर्शन के साथ किया था और अगले वर्ष दिशा पटानी टाइगर श्रॉफ के साथ के साथ एक संगीत वीडियो बेफिका में दिखाई दिए थे जिसे टी, जिसे टी के तहत भूषण कुमार और कृष्णा कुमार द्वारा निर्मित किया गया था और मित ब्रदर्स द्वारा संगीत वृद्ध किया गया था जबकि मित ब्रदर्स द्वारा लिखित और निर्देशित भी किया गया था आदित्य सिंह शर्मा की अपनी आवाज भी दी थी और बात कर ले दोस्तों आदित्य दिशा पटानी अभिनेत्री नीरज पांडे की एम एस धोनी अंडर स्टोरी के साथ अपना ब्रेक पाया था, जो सुशांत सिंह राजपूत और कियारा आडवाणी के साथ भारतीय क्रिकेटर टीम पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी एम एस धोनी की जीवन पर कहानी आधारित है जीवन पर आधारित फिल्म है और यह फिल्म उन्होंने एम एस धोनी के चरित्र को प्रेमिका प्रियंका चोपड़ा प्रियंका झा की भूमिका निभाई है जिसकी एक कार दुर्घटना के मृत्यु हो जाती है नीरज पांडे द्वारा निर्देशित और फॉक्स स्टार स्टूडियो द्वारा निर्मित यह फिल्म 30 सितंबर 2016 को रिलीज हुई थी और दूसरे 16 सोलह करोड़ रुपए के अनुमति संग्रह के साथ एक बड़ी हिट थी और यूएस यूएस 27 मिलियन इसके अलावा उन्होंने सोनू सूद के साथ जय जैक, जैकी चैन की फू योगा में भी अभिनय किया था बात कर ले दोस्तों सुपर स्टार अभिनेत्री दिशा पटानी और सुपर स्टार अभिनेता राधे सुपर स्टार अभिनेता दबंग खान यानी राधे मूवी में जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ नजर आए थे हेलो गाइज आज के इस वीडियो में रिव्यू करेंगे राधे मूवी से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक फैक्टर को बताएंगे और दोस्तों साथ ही साथ राधे मूवी में सुपरस्टार कौन है और इस फिल्म का डायरेक्टर कौन कर रहे हैं और दोस्तों साथ ही साथ इस मूवी ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कितना कमाई की है तो दोस्तों इन सभी इंफॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहें और दोस्तों साथ ही साथ साथ ही साथ राधे मूवी को हिंदी भाषा के साथ दोस्तों यूट्यूब पे देखना चाहते हैं तो दोस्तों हमें नीचे कमेंट करके बतला सकते हैं और दोस्तों साथ ही साथ चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं तब तक, तक दोस्तों आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके साथ ही साथ बेलगन प्रेस कर दे दोस्तों बात करें राधे मूवी एक दो की भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म है जो कि राधे राधे फिल्म सुपर स्टार अभिनेता राधे फिल्म में सलमान खान और अभिनेत्री दिशा पटानी रणदीप हुड्डा जैसे जयकि भी अभिनेता जैसे देखने को मिलेगा दोस्तों बात कर ले सुपर स्टार अभिनेता सलमान खान से फिल्म राधे मूवी का डायरेक्टर प्रभु देवा ने किया था जबकि इस फिल्म का लिखित एसी मुगल विजय मौर्या ने इस फिल्म का लिखे थे फिल्म का प्रोड्यूसर सलमान खान सोहेल खान अतुल अग्निहोत्री निखिल निम्तो ने मिलकर इस फिल्म का लेखे प्रोड्यूस किए थे और बात कर ले दोस्तों इस फिल्म का संगीतकार संचित बलहार और अंकित बलहार ने इस फिल्म का संगीत दिया था जबकि इस फिल्म का गाना साजिद वाजिद और देवी श्री प्रसाद हिमेश रेशमिया द्वारा इसे तैयार किया गया था राधे मूवी का उत्पादक कंपनी जी स्टूडियोज द्वारा इसे बनाई गई थी जबकि सलमान खान फिल्म्स सोहेल खान प्रोडक्शन और रियल लाइफ प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसे बनाई गई थी और इस फिल्म का वितरित जी स्टूडियो जी प्लेक्स जी फाइव द्वारा इसे वितरित किया गया था दोस्तों तेरह मई 2021 में रिलीज हुई राधे मूवी का समय सीमा यानी रोनर टाइम एक से पैंतीस मिनट के साथ इंडियन इंडियन सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और दोस्तों बात करें इस फिल्म का हिंदी भाषा के साथ इंडिया में बनाई गई थी बात कर ले दोस्तों राधे मूवी से राधे मूवी ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अट्ठारह पॉइंट करोड़ का कलेक्शन किया था फिल्म राधे में सुपर स्टार अभिनेता सलमान खान और अभिनेत्री दिशा पटानी की जोड़ी ये फिल्म में काफ़ी जबरदस्त चली थी और दोस्तों साथ ही साथ राधे मूवी में सुपर स्टार अभिनेता सलमान खान की फिल्म राधे सितंबर 2019 में मीडिया के रिपोर्ट के अनुसार लगाया गया है कि प्रभु देवा के डायरेक्ट में बनी फिल्म दबंग थ्री को पूरा करने के बाद सलमान खान की अगली परियोजना का निर्देशक करेंगे इस फिल्म की ईद उल फितर दो हजार दो हजार बीस बाईस मई को अवसर पर रिलीज होगी और तीसरी तारीख को सलमान खान ने सलमान खान ने रुकी हुई फिल्म इन के लिए होने का अनुशासन लगाया गया था यह शीर्षक वांटेड टू है लेकिन निर्माताओं से इसकी पुष्टि नहीं हुई है और अक्टूबर 2019 में फिल्म को 2017 की 2017 की दक्षिण कोरियोग्राफर कोरियोग्राफर फिल्म का रीमेक होने की सूचना मिली थी 18 अक्टूबर 2019 को सलमान खान ने दबंग थ्री के मोशन पोस्टर के माध्यम से राधे मूवी में फिल्म के शीर्षक का खुलासा किया था दोस्तों बात कर ले की फिल्म की फिल्माने ने फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी नवंबर 2021 में शुरू हुई थी जबकि नवंबर 2019 में शुरू हुई थी जबकि फिल्म का पहला शेड्यूल 4 नवंबर को मुंबई में महबूब स्टूडियो में हुआ था खान के खान ने सेट पर कलाकारों के चालक दल के सदस्य के लिए एक नए निर्देशक दिशा एक नए दिशा निर्देशक पेश किए थे जो सेट पर अनुशासन बनाए रखने के और नए लोगों का या जूनियर की मदद करने के लिए एक दोस्त प्रणाली बनाए रखने पर जोर देने के लिए थे फिल्म का दूसरा शेड्यूल 21 जनवरी 2020 को गोवा में हुआ था जबकि यह गाना यह खान और हुड्डा के कुछ पिछला पीछा करने वाले दृश्य फिल्म आए गए थे क्लाइमैक्स शॉट के लिए निर्माताओं की दृश्य प्रभाव पर, पर 7.5 करोड़ रुपये की खर्च की थी और फिल्म की शूटिंग 21 फरवरी 2020 तक पूरी होनी थी और लेकिन निर्माताओं ने थाईलैंड में एक और शेड्यूल योजना बनाई थी जिसे बाद में कोविड 19 महामारी के रूप में रद्द कर दिया गया था दोस्तों बात करें फिल्म में सुपर स्टार अभिनेता सलमान खान यानी दबंग खान यह बॉलीवुड के सुपर स्टार अभिनेता हैं इनकी कैरियर की शुरुआत बात करें तो दोस्तों सुपर स्टार अभिनेता सलमान खान यह भारतीय फिल्म यह भारतीय फिल्म का अभिनेता है खान ने अपने अभिनय की शुरुआत उन्नीस सौ अट्ठासी की आई फिल्म बी हो तो ऐसी से की थी जिन्हों जिसमें उन्होंने एक सहायक भूमिका निभाई थी और उन्होंने सूरज आर भाटजाता की रोमांस परिवार ड्रामा मैंने प्यार किया उन्हें से नवासी में एक प्रमुख भूमिका में थी जो उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई थी इसने उनके इसने उन्हें उसी समारोह में सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण के लिए नामांकन के साथ साथ फिल्म फिल्मफेयर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला नामांकन अर्जित किया था बाद वाले सूरज आर भारत्य को सम्मानित किया गया और फिल्म मैंने प्यार किया को अंग्रेजी में वेन लव क्लॉस ओ और एस्पेसन में तो आमो और तेलुगु में डब किया गया था उन्नीस सौ नब्बे में खान की अभिनीति एक फिल्म रिलीज हुई थी जो कि बागी बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी इसके बाद उन्नीस सौ इक्यानवे में तीन सामान्य रूप से सफल फिल्में रहीं और पत्थर के फूल सरम बेवफा कुर्बान उसी बॉस की खान ने संजय दत्त की माधुरी दीक्षित के साथ रोमांटिक ड्रामा साजन में सकलाकार के रूप में काम किया था उसके बाद सुपरस्टार स्टार दबंग खान यानी सलमान खान ने उन्नीस सौ चौरानवे में, में राजकुमार संतोषी की अंदाज अपना अपना में आमिर खान के साथ सहकलाकार में दिखाई दिए थे और दोस्तों बात कर ले सुपरस्टार अभिनेत्री दिशा पटानी यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो कि बॉलीवुड की फिल्म में काम करती है अभिनेत्री दिशा पटानी इनकी भारतीय अभिनेत्री है फिल्म है जो कि भारतीय फिल्म में काम करती है और हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए भी जानी जाती हैं उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत तेलुगु फिल्म लोफर 2015 से की थी जो कि उन्होंने अपनी पहली हिंदी स्पष्ट बायोपिक फिल्म एम एस एम एस धोनी ऑन द टोल स्टोरी 2016 में अपनी भूमिका के लिए पहचान हासिल की थी जिसके लिए उन्होंने सुपर स्टार ऑफ टुमाटो टुमारो के लिए स्टार ड्रम अवार्ड्स सहित कई पुरस्कार भी जीते हैं फिल्मफेयर में बेस्ट फीमेल डेब्यू के लिए आइफा अवार्ड जीता था और अभिनेत्री दिशा पटानी ने बाद में बाद में चीनी एक्शन कॉमेडी फू योगा 2017 और हिंदी फिल्मों जैसे बागी दो भारत 2019 मंगल 2020 और एक विलेन रिटर्न्स 2022 में अभिनय किया था दोस्तों बात अभिनेत्री पटानी पटानी की की शुरुआत ने 2015 में, 2015 में में वरुण तेज के साथ एक तेलुगु फिल्म लोफर से शुरुआत की थी और अपने मौनी की भूमिका जो एक लड़की जो जबरन शादी से बचने के लिए घर से भागती है और पूरी जगन्नाथन द्वारा निर्देशित और सी कल्याण द्वारा सी के इंटरटेनमेंट के तहत निर्मित यह एक फिल्म यह एक फिल्म दूसरे मिलियन के बजट पर बनी थी और एक से छ मिलियन के जीवन भर में संग्रह के साथ बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन के खरदा खराब प्रदर्शन के साथ किया था और अगले वर्ष दिशा पटानी टाइगर श्रॉफ के साथ टाइगर श्रॉफ के साथ एक संगीत वीडियो बेफिका में दिखाई दिए थे जिसे टी जिसे टी सीरीज के तहत भूषण कुमार और कृष्णा कुमार द्वारा निर्मित किया गया था और मित ब्रदर्स द्वारा संगीत वृद्ध किया गया था जबकि मित ब्रदर्स द्वारा लिखित और निर्देशित भी किया गया था आदित्य सिंह शर्मा की अपनी आवाज भी दी थी और बात कर ले दोस्तों आदित्य दिशा पटानी अभिनेत्री नीरज पांडे की एम एस धोनी अंडर टोल्ड स्टोरी के साथ अपना व्यावसायिक ब्रेक पाया था जो सुशांत सिंह राजपूत और कियारा आडवाणी के साथ भारतीय क्रिकेटर टीम पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी एम एस धोनी की जीवन पर कहानी आधारित है जीवन पर आधारित फिल्म है और यह फिल्म उन्होंने एम एस धोनी के चरित्र को प्रेमिका प्रियंका चोपड़ा प्रियंका झा की भूमिका निभाई है जिसकी एक कार दुर्घटना के से मृत्यु हो जाती है नीरज पांडे द्वारा निर्देशित और फॉक्स स्टार स्टूडियो द्वारा निर्मित यह फिल्म 30 सितंबर 2016 को रिलीज हुई थी और दूसरे 16 सोलह करोड़ रुपए के अनुमति संग्रह के साथ एक बड़ी हिट थी और यूएस यूएस 27 मिलियन इसके अलावा उन्होंने सोनू सूद के साथ जय जैक, जैकी चैन की कुंक कु योगा में भी अभिनय किया था बात कर ले दोस्तों सुपरस्टार अभिनेत्री दिशा पटानी और सुपरस्टार अभिनेता राधे सुपरस्टार अभिनेता दबंग खान यानी राधे मूवी में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के साथ नजर आए थे हेलो गाइज आज के इस वीडियो में रिव्यू करेंगे राधे मूवी से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक फैक्टर को बतलाएंगे और दोस्तों साथ ही साथ राधे मूवी में सुपरस्टार कौन है और इस फिल्म का डायरेक्टर कौन कर रहे हैं और दोस्तों साथ ही साथ इस मूवी ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कितना कमाई की है तो दोस्तों इन सभी इंफॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहें और दोस्तों साथ ही साथ साथ ही साथ राधे मूवी को हिंदी भाषा के साथ दोस्तों यूट्यूब पे देखना चाहते हैं तो दोस्तों हमें नीचे कमेंट करके बतला सकते हैं और दोस्तों साथ ही साथ चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं तब तक, तक दोस्तों आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके साथ ही साथ बेलगन प्रेस कर दे दोस्तों बात करें राधे मूवी एक दो की भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म है जो कि राधे र, राधे फिल्म सुपरस्टार अभिनेता राधे फिल्म में सलमान खान और अभिनेत्री दिशा पटानी रणदीप हुड्डा जैसे जैकी श्रॉफ भी अभिनेता जैसे देखने को मिलेगा दोस्तों बात कर ले सुपर स्टार अभिनेता सलमान खान से ये फिल्म राधे मूवी का डायरेक्टर प्रभु देवा ने किया था जबकि इस फिल्म का लिखित एसी मुगल विजय मौर्या ने इस फिल्म का लिखे थे फिल्म का प्रोड्यूसर सलमान खान सोहेल खान अतुल अग्निहोत्री निखिल निम्तो ने मिलकर इस फिल्म का लेखे प्रोड्यूस किए थे और बात कर ले दोस्तों इस फिल्म का संगीतकार संचित बलहार और अंकित बलहार ने इस फिल्म का संगीत दिया था जबकि इस फिल्म का गाना साजिद वाजिद और देवी श्री प्रसाद हिमेश रेशमिया द्वारा इसे तैयार किया गया था राधे मूवी का उत्पादक कंपनी जी स्टूडियोज द्वारा इसे बनाई गई थी जबकि सलमान खान फिल्म्स सुहेल खान प्रोडक्शन और रियल लाइफ प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसे बनाई गई थी और इस फिल्म का वितरित जी स्टूडियो जी प्लेक्स जी फाइव द्वारा इसे वितरित किया गया था दोस्तों तेरह मई 2021 में रिलीज हुई राधे मूवी का समय सीमा यानी रोनर टाइम एक से पैंतीस मिनट के साथ इंडियन इंडियन सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और दोस्तों बात करें इस फिल्म का हिंदी भाषा के साथ इंडिया में बनाई गई थी बात कर ले दोस्तों राधे मूवी से राधे मूवी ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अट्ठारह करोड़ का कलेक्शन किया था फिल्म राधे में सुपर स्टार अभिनेता सलमान खान और अभिनेत्री दिशा पटानी की जोड़ी ये फिल्म में काफ़ी जबरदस्त चलती और दोस्तों साथ ही साथ राधे मूवी में सुपर स्टार अभिनेता सलमान खान की फिल्म राधे सितंबर 2019 में मीडिया के रिपोर्ट के अनुसार लगाया गया है कि प्रभु देवा के डायरेक्ट में बनी फिल्म दबंग थ्री को पूरा करने के बाद सलमान खान की अगली परियोजना का निर्देशक करेंगे इस फिल्म की ईद उल फितर दो हज़ार दो मई को अवसर पर रिलीज होगी और तीसरी तारीख को सलमान खान ने सलमान खान ने रुकी हुई फिल्म इन के लिए होने का अनुशासन लगाया गया था यह शीर्षक वांटेड टू है लेकिन निर्माताओं से इसकी पुष्टि नहीं हुई है और अक्टूबर 2019 में फिल्म को सद दो की 2017 की दक्षिण कोरियोग्राफर कोरियोग्राफर फिल्म का रीमेक होने की सूचना मिली थी 18 अक्टूबर 2019 को सलमान खान ने दबंग थ्री के मोशन पोस्टर के माध्यम से राधे मूवी में फिल्म के शीर्षक का खुलासा किया था दोस्तों बात कर ले फिल्म की फिल्माने फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी नवंबर 2021 में शुरू हुई थी जबकि नवंबर 2019 में शुरू हुई थी जबकि फिल्म का पहला शेड्यूल चार नवंबर को मुंबई में महबूब स्टूडियो में हुआ था खान के खान ने सेट पर कलाकारों के चालक दल के सदस्य के लिए एक नए निर्देशक दिशा एक नए दिशा निर्देशक पेश किए थे जो सेट पर अनुशासन बनाए रखने के और नए लोगों का या जूनियर की मदद करने के लिए एक दोस्त प्रणाली बनाए रखने पर जोर देने के लिए थे फिल्म का दूसरा शेड्यूल 21 जनवरी 2020 को गोवा में हुआ था जबकि यह गाना यह खान और हुड्डा के कुछ पिछला पीछा करने वाले दृश्य फिल्माए गए थे क्लाइमैक्स शॉट के लिए निर्माताओं की दृश्य प्रभावों पर, पर 7.5 करोड़ रुपये की खर्च की थी और फिल्म की शूटिंग 21 फरवरी 2020 तक पूरी होनी थी और लेकिन निर्माताओं ने थाईलैंड में एक और शेड्यूल योजना बनाई थी जिसे बाद में कोविड 19 महामारी के रूप में रद्द कर दिया गया था दोस्तों बात करें फिल्म में सुपर स्टार अभिनेता सलमान खान यानी दबंग खान यह बॉलीवुड के सुपरस्टार अभिनेता हैं इनकी करियर की शुरुआत बात करें तो दोस्तों सुपरस्टार अभिनेता सलमान खान यह भारतीय फिल्म यह भारतीय फिल्म का अभिनेता है खान ने अपने अभिनय की शुरुआत उन्नीस सौ अट्ठासी की आई फिल्म बीबी हो तो ऐसी से की थी जिन्हों जिसमें उन्होंने एक सहायक भूमिका निभाई थी और उन्होंने सूरज आर तक की रोमांस परिवार ड्रामा मैंने प्यार किया उन्नीस सौ नवासी में एक प्रमुख भूमिका में थी जो उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई थी इसने उनके इसने उन्हें उसी समारोह में सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण के लिए नामांकन के साथ साथ फिल्मफेयर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला नामांकन अर्जित किया था बाद वाले सूरज आर भारत्य को सम्मानित किया गया और फिल्म मैंने प्यार किया को अंग्रेजी में When लो क्लस ओ और एसपेस न्यूज में तो आमो और तेलुगु में डब किया गया था उन्नीस सौ नब्बे में खान की अभिनीति एक फिल्म रिलीज हुई थी जो कि बागी बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी इसके बाद उन्नीस सौ इक्यानवे में तीन सामान्य रूप से सफल फिल्में रही और पत्थर के फूल सनम बेवफा कुर्बान उसी बस की खान ने संजय दत्त की माधुरी दीक्षित के साथ रोमांटिक ड्रामा साजन में सकलाकार के रूप में काम किया था उसके बाद सुपरस्टार स्टार दबंग खान यानी सलमान खान ने उन्नीस सौ चौरानवे में, में राजकुमार संतोषी की अंदाज अपना अपना में आमिर खान के साथ सहकलाकार में दिखाई दिए थे और दोस्तों बात कर ले सुपर स्टार अभिनेत्री दिशा पटानी यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो कि बॉलीवुड की फिल्म में काम करती है अभिनेत्री दिशा पटानी इनकी भारतीय अभिनेत्री है फिल्म है जो कि भारतीय फिल्म में काम करती है और हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए भी जानी जाती हैं उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत तेलुगु फिल्म लोफर 2015 से की थी जो कि उन्होंने अपनी पहली हिंदी स्पष्ट बायोपिक फिल्म एम एस एम एस धोनी ऑन द टोल्ड स्टोरी 2016 में अपनी भूमिका के लिए पहचान हासिल की थी जिसके लिए उन्होंने सुपर स्टार ऑफ टुमार्टो टुमारो के लिए स्टार ड्रम अवार्ड्स सहित कई पुरस्कार भी जीते हैं फिल्मफेयर में बेस्ट फीमेल डेब्यू के लिए आइफा अवार्ड जीता था और अभिनेत्री दिशा पटानी ने बाद में बाद में चीनी एक्शन कॉमेडी कु योगा 2017 और हिंदी फिल्मों जैसे बागी दो 2018, भारत 2019, मंगल 2020 और एक विलेन रिटर्न्स 2022 में अभिनय किया था दोस्तों बात अभिनेत्री पटानी पटानी की की शुरुआत ने 2015 में, 2015 में वरुण तेज के साथ एक तेलुगु फिल्म लोफर से शुरुआत की थी और अपने मौनी की भूमिका जो एक लड़की जो जबरन शादी से बचने के लिए घर से भागती है और पूरी जगन्नाथन द्वारा निर्देशित और सी कल्याण द्वारा सी के इंटरटेनमेंट के तहत निर्मित यह एक फिल्म दो यह एक फिल्म दो मिलियन के बजट पर बनी थी और एक से छ मिलियन के जीवन भर में संग्रह के साथ बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन के खरदा खराब प्रदर्शन के साथ किया था और अगले वर्ष दिशा पटानी टाइगर श्रॉफ के साथ टाइगर श्रॉफ के साथ एक संगीत वीडियो बेफिका में दिखाई दिए थे जिसे टी जिसे टी सीरीज के तहत भूषण कुमार और कृष्णा कुमार द्वारा निर्मित किया गया था और मित ब्रदर्स द्वारा संगीत वृद्ध किया गया था जबकि मित ब्रदर्स द्वारा लिखित और निर्देशित भी किया गया था आदित्य सिंह शर्मा की अपनी आवाज भी दी थी और बात कर ले दोस्तों आदित्य दिशा पटानी अभिनेत्री नीरज पांडे की एम एस धोनी अंडर टोल्ड स्टोरी के साथ अपना व्यावसायिक ब्रेक पाया था जो सुशांत सिंह राजपूत और कियारा आडवाणी के साथ भारतीय क्रिकेटर टीम पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी एम एस धोनी की जीवन पर कहानी आधारित है जीवन पर आधारित फिल्म है और यह फिल्म उन्होंने एम एस धोनी के चरित्र को प्रेमिका प्रियंका चोपड़ा प्रियंका झा की भूमिका निभाई है जिसकी एक कार दुर्घटना के मृत्यु हो जाती है नीरज पांडे द्वारा निर्देशित और फॉक्स स्टार स्टूडियो द्वारा निर्मित यह फिल्म 30 सितंबर 2016 को रिलीज हुई थी और दूसरे 16 सोलह करोड़ यूपीए के अनुमति संग्रह के साथ एक बड़ी हिट थी और यूएस यूएस 27 मिलियन इसके अलावा उन्होंने सोनू सूद के साथ जय जैक, जैकी चैन की कुंग योगा में भी अभिनय किया था बात कर ले दोस्तों सुपर स्टार अभिनेत्री दिशा पटानी और सुपर स्टार अभिनेता राधे सुपर स्टार अभिनेता दबंग खान यानी राधे मूवी में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के साथ नजर आए थे हेलो गाइज आज के इस वीडियो में रिव्यू करेंगे राधे मूवी से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक फैक्टर को बतलाएंगे और दोस्तों साथ ही साथ राधे मूवी में सुपरस्टार कौन है और इस फिल्म का डायरेक्टर कौन कर रहे हैं और दोस्तों साथ ही साथ इस मूवी ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कितना कमाई की है तो दोस्तों इन सभी इंफॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहें और दोस्तों साथ ही साथ साथ ही साथ राधे मूवी को हिंदी भाषा के साथ दोस्तों यूट्यूब पे देखना चाहते हैं तो दोस्तों हमें नीचे कमेंट करके बतला सकते हैं और दोस्तों साथ ही साथ चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं तब तक, तक दोस्तों आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके साथ ही साथ बेलगन प्रेस कर दे दोस्तों बात करें राधे मूवी एक दो की भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म है जो कि राधे र, राधे फिल्म सुपर स्टार अभिनेता राधे फिल्म में सलमान खान और अभिनेत्री दिशा पटानी रणदीप हुड्डा जैसे जैकी श्रॉफ भी अभिनेता जैसे देखने को मिलेगा दोस्तों बात कर ले सुपर स्टार अभिनेता सलमान खान से की फिल्म राधे मूवी का डायरेक्टर प्रभु देवा ने किया था जबकि इस फिल्म का लिखित एसी मुगल विजय मौर्या ने इस फिल्म का लिखे थे फिल्म का प्रोड्यूसर सलमान खान सोहेल खान अतुल अग्निहोत्री निखिल निम्तो ने मिलकर इस फिल्म का लेखे प्रोड्यूस किए थे और बात कर ले दोस्तों इस फिल्म का संगीतकार संचित बलहार और अंकित बलहार ने इस फिल्म का संगीत दिया था जबकि इस फिल्म का गाना साजिद वाजिद और देवी श्री प्रसाद हिमेश रेशमिया द्वारा इसे तैयार किया गया था राधे मूवी का उत्पादक कंपनी जी स्टूडियोज इस द्वारा इसे बनाई गई थी जबकि सलमान खान फिल्म्स सुहेल खान प्रोडक्शन और रियल लाइफ प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसे बनाई गई थी और इस फिल्म का वितरित जी स्टूडियो जी प्लेक्स जी फाइव द्वारा इसे वितरित किया गया था दोस्तों तेरह मई 2021 में रिलीज हुई राधे मूवी का समय सीमा यानी रोनर टाइम एक से पैंतीस मिनट के साथ इंडियन इंडियन सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और दोस्तों बात करें इस फिल्म का हिंदी भाषा के साथ इंडिया में बनाई गई थी बात कर ले दोस्तों राधे मूवी से राधे मूवी ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अट्ठारह पॉइंट करोड़ का कलेक्शन किया था फिल्म राधे में सुपर स्टार अभिनेता सलमान खान और अभिनेत्री दिशा पटानी की जोड़ी ये फिल्म में काफ़ी जबरदस्त चली थी और दोस्तों साथ ही साथ राधे मूवी में सुपर स्टार अभिनेता सलमान खान की फिल्म राधे सितंबर 2019 में मीडिया के रिपोर्ट के अनुसार लगाया गया है कि प्रभु देवा के डायरेक्ट में बनी फिल्म दबंग थ्री को पूरा करने के बाद सलमान खान की अगली परियोजना का निर्देशक करेंगे इस फिल्म की ईद उल फितर दो हजार दो हजार बीस बाईस मई को अवसर पर रिलीज होगी और तीसरी तारीख को सलमान खान ने सलमान खान ने रुकी हुई फिल्म इन के लिए होने का अनुशासन लगाया गया था यह शीर्षक वांटेड टू है लेकिन निर्माताओं से इसकी पुष्टि नहीं हुई है और अक्टूबर 2019 में फिल्म को 2017 की 2017 की दक्षिण कोरियोग्राफर कोरियोग्राफर फिल्म का रीमेक होने की सूचना मिली थी 18 अक्टूबर 2019 को सलमान खान ने दबंग थ्री के मोशन पोस्टर के माध्यम से राधे मूवी में फिल्म के शीर्षक का खुलासा किया था दोस्तों बात कर ले फिल्म की फिल्माने फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी नवंबर 2021 में शुरू हुई थी जबकि नवंबर 2019 में शुरू हुई थी जबकि फिल्म का पहला शेड्यूल 4 नवंबर को मुंबई में महबूब स्टूडियो में हुआ था खान के खान ने सेट पर कलाकारों के चालक दल के सदस्य के लिए एक नए निर्देशक दिशा एक नए दिशा निर्देशक पेश किए थे जो सेट पर अनुशासन बनाए रखने के और नए लोगों का या जूनियर की मदद करने के लिए एक दोस्त प्रणाली बनाए रखने पर जोर देने के लिए थे फिल्म का दूसरा शेड्यूल 21 जनवरी 2020 को गोवा में हुआ था जबकि यह गाना यह खान और हुड्डा के कुछ पिछला पीछा करने वाले दृश्य फिल्म आए गए थे क्लाइमैक्स शॉट के लिए निर्माताओं की दृश्य प्रभाव पर, पर 7.5 करोड़ रुपये की खर्च की थी और फिल्म की शूटिंग 21 फरवरी 2020 तक पूरी होनी थी और लेकिन निर्माताओं ने थाईलैंड में एक और शेड्यूल योजना बनाई थी जिसे बाद में कोविड 19 महामारी के रूप में रद्द कर दिया गया था दोस्तों बात करें फिल्म में सुपर स्टार अभिनेता सलमान खान यानी दबंग खान यह बॉलीवुड के सुपर स्टार अभिनेता हैं इनकी कैरियर की शुरुआत बात करें तो दोस्तों सुपर स्टार अभिनेता सलमान खान यह भारतीय फिल्म यह भारतीय फिल्म का अभिनेता है खान ने अपने अभिनय की शुरुआत उन्नीस सौ अट्ठासी की आई फिल्म बी हो तो ऐसी से की थी जिन्हों जिसमें उन्होंने एक सहायक भूमिका निभाई थी और उन्होंने सूरज आर भाटजाता की रोमांस परिवार ड्रामा मैंने प्यार किया उन्हें से नवासी में एक प्रमुख भूमिका में थी जो उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई थी इसने उनके इसने उन्हें उसी समारोह में सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण के लिए नामांकन के साथ साथ फिल्म फिल्मफेयर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला नामांकन अर्जित किया था बाद वाले सूरज आर भारत्य को सम्मानित किया गया और फिल्म मैंने प्यार किया को अंग्रेजी में वेन लव क्लॉस ओ और एसपेसन में तो आमो और तेलुगु में डब किया गया था उन्नीस सौ नब्बे में खान की अभिनीति एक फिल्म रिलीज हुई थी जो कि बागी बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी इसके बाद उन्नीस सौ इक्यानवे में तीन सामान्य रूप से सफल फिल्में रही और पत्थर के फूल सरम बेवफा कुर्बान उसी बॉस की खान ने संजय दत्त की माधुरी दीक्षित के साथ रोमांटिक ड्रामा साजन में कलाकार के रूप में काम किया था उसके बाद सुपरस्टार दबंग खान यानी सलमान खान ने उन्नीस सौ चौरानवे में राजकुमार संतोषी की अंदाज अपना अपना में आमिर खान के साथ सहकलाकार में दिखाई दिए थे और दोस्तों बात कर ले सुपर स्टार अभिनेत्री दिशा पटानी यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो कि बॉलीवुड की फिल्म में काम करती है अभिनेत्री दिशा पटानी इनकी भारतीय अभिनेत्री है फिल्म है जो कि भारतीय फिल्म में काम करती है और हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए भी जानी जाती हैं उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत तेलुगु फिल्म लोफर 2015 से की थी जो कि उन्होंने अपनी पहली हिंदी स्पष्ट बायोपिक फिल्म एम एस एम एस धोनी ऑन द टोल स्टोरी 2016 में अपनी भूमिका के लिए पहचान हासिल की थी जिसके लिए उन्होंने सुपर स्टार ऑफ टुमाटो टुमारो के लिए स्टार ड्रम अवार्ड्स सहित कई पुरस्कार भी जीते हैं फिल्मफेयर में बेस्ट फीमेल डेब्यू के लिए आइफा अवार्ड जीता था और अभिनेत्री दिशा पटानी ने बाद में बाद में चीनी एक्शन कॉमेडी फू योगा 2017 और हिंदी फिल्मों जैसे बागी दो भारत 2019 मंगल 2020 और एक विलेन रिटर्न्स 2022 में अभिनय किया था दोस्तों बात अभिनेत्री पटानी पटानी की की शुरुआत ने 2015 में, 2015 में वरुण तेज के साथ एक तेलुगु फिल्म लोफर से शुरुआत की थी और अपने मौनी की भूमिका जो एक लड़की जो जबरन शादी से बचने के लिए घर से भागती है और पूरी जगन्नाथन द्वारा निर्देशित और सी कल्याण द्वारा सी के इंटरटेनमेंट के तहत निर्मित यह एक फिल्म यह एक फिल्म दूसरे मिलियन के बजट पर बनी थी और एक से छ मिलियन के जीवन भर में संग्रह के साथ बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन के खरदा खराब प्रदर्शन के साथ किया था और अगले वर्ष दिशा पटानी टाइगर श्रॉफ के साथ टाइगर श्रॉफ के साथ एक संगीत वीडियो बेफिका में दिखाई दिए थे जिसे टी जिसे टी सीरीज के तहत भूषण कुमार और कृष्णा कुमार द्वारा निर्मित किया गया था और मित ब्रदर्स द्वारा संगीत वृद्ध किया गया था जबकि मित ब्रदर्स द्वारा लिखित और निर्देशित भी किया गया था आदित्य सिंह शर्मा की अपनी आवाज भी दी थी और बात कर ले दोस्तों आदित्य दिशा पटानी अभिनेत्री नीरज पांडे की एम एस धोनी अंडर टोल्ड स्टोरी के साथ अपना व्यावसायिक ब्रेक पाया था जो सुशांत सिंह राजपूत और कियारा आडवाणी के साथ भारतीय क्रिकेटर टीम पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी एम एस धोनी की जीवन पर कहानी आधारित है जीवन पर आधारित फिल्म है और यह फिल्म उन्होंने एम एस धोनी के चरित्र को प्रेमिका प्रियंका चोपड़ा प्रियंका झा की भूमिका निभाई है जिसकी एक कार दुर्घटना के से मृत्यु हो जाती है नीरज पांडे द्वारा निर्देशित और फॉक्स स्टार स्टूडियो द्वारा निर्मित यह फिल्म 30 सितंबर 2016 को रिलीज हुई थी और दूसरे सोलह करोड़ रुपए के अनुमति संग्रह के साथ एक बड़ी हिट थी और यूएस यूएस ट्वेंटी मिलियन इसके अलावा उन्होंने सोनू सूद के साथ जय जैक, जैकी चैन की कुंगू फू योगा में भी अभिनय किया था बात कर ले दोस्तों सुपरस्टार अभिनेत्री दिशा पटानी और सुपरस्टार अभिनेता राधे सुपरस्टार अभिनेता दबंग खान यानी राधे मूवी में जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ नजर आए थे हेलो गाइज आज के इस वीडियो में रिव्यू करेंगे राधे मूवी से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक फैक्टर को बतलाएंगे और दोस्तों साथ ही साथ राधे मूवी में सुपरस्टार कौन है और इस फिल्म का डायरेक्टर कौन कर रहे हैं और दोस्तों साथ ही साथ इस मूवी ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कितना कमाई की है तो दोस्तों इन सभी इंफॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहें और दोस्तों साथ ही साथ साथ ही साथ राधे मूवी को हिंदी भाषा के साथ दोस्तों यूट्यूब पे देखना चाहते हैं तो दोस्तों हमें नीचे कमेंट करके बतला सकते हैं और दोस्तों साथ ही साथ चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं तब तक, तक दोस्तों आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके साथ ही साथ बेलगन प्रेस कर दे दोस्तों बात करें राधे मूवी एक दो की भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म है जो कि राधे र, राधे फिल्म सुपर स्टार अभिनेता राधे फिल्म में सलमान खान और अभिनेत्री दिशा पटानी रणदीप हुड्डा जैसे श्रॉफ भी अभिनेता जैसे देखने को मिलेगा दोस्तों बात कर ले सुपर स्टार अभिनेता सलमान खान से फिल्म राधे मूवी का डायरेक्टर प्रभु देवा ने किया था जबकि इस फिल्म का लिखित एसी मुगल विजय मौर्य ने इस फिल्म का लिखे थे फिल्म का प्रोड्यूसर सलमान खान सोहेल खान अतुल अग्निहोत्री निखिल निम्तो ने मिलकर इस फिल्म का लेखे प्रोड्यूस किए थे और बात कर ले दोस्तों इस फिल्म का संगीतकार संचित बलहार और अंकित बलहार ने इस फिल्म का संगीत दिया था जबकि इस फिल्म का गाना साजिद वाजिद और देवी श्री प्रसाद हिमेश रेशमिया द्वारा इसे तैयार किया गया था राधे मूवी का उत्पादक कंपनी जी स्टूडियोज द्वारा इसे बनाई गई थी जबकि सलमान खान फिल्म्स सोहेल खान प्रोडक्शन और रियल लाइफ प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसे बनाई गई थी और इस फिल्म का वितरित जी स्टूडियो जी प्लेक्स जी फाइव द्वारा इसे वितरित किया गया था दोस्तों तेरह मई 2021 में रिलीज हुई राधे मूवी का समय सीमा यानी रोनर टाइम एक से पैंतीस मिनट के साथ इंडियन इंडियन सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और दोस्तों बात करें इस फिल्म का हिंदी भाषा के साथ इंडिया में बनाई गई थी बात कर ले दोस्तों राधे मूवी से राधे मूवी ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अट्ठारह पॉइंट करोड़ का कलेक्शन किया था फिल्म राधे में सुपर स्टार अभिनेता सलमान खान और अभिनेत्री दिशा पटानी की जोड़ी ये फिल्म में काफ़ी जबरदस्त चली थी और दोस्तों साथ ही साथ राधे मूवी में सुपर स्टार अभिनेता सलमान खान की फिल्म राधे सितंबर 2019 में मीडिया के रिपोर्ट के अनुसार लगाया गया है कि प्रभु देवा के डायरेक्ट में बनी फिल्म दबंग थ्री को पूरा करने के बाद सलमान खान की अगली परियोजना का निर्देशक करेंगे इस फिल्म की ईद उल फितर दो हजार दो हज़ार बीस बाईस मई को अवसर पर रिलीज होगी और तीसरी तारीख को सलमान खान ने सलमान खान ने रुकी हुई फिल्म इन के लिए होने का अनुशासन लगाया गया था यह शीर्षक वांटेड टू है लेकिन निर्माताओं से इसकी पुष्टि नहीं हुई है और अक्टूबर 2019 में फिल्म को 2017 की 2017 की दक्षिण कोरियोग्राफर कोरियोग्राफर फिल्म का रीमेक होने की सूचना मिली थी 18 अक्टूबर 2019 को सलमान खान ने दबंग थ्री के मोशन पोस्टर के माध्यम से राधे मूवी में फिल्म के शीर्षक का खुलासा किया था दोस्तों बात कर ले फिल्म की फिल्माने फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी नवंबर 2021 में शुरू हुई थी जबकि नवंबर 2019 में शुरू हुई थी जबकि फिल्म का पहला शेड्यूल 4 नवंबर को मुंबई में महबूब स्टूडियो में हुआ था खान के खान ने सेट पर कलाकारों के चालक दल के सदस्य के लिए एक नए निर्देशक दिशा एक नए दिशा निर्देशक पेश किए थे जो सेट पर अनुशासन बनाए रखने के और नए लोगों का या जूनियर की मदद करने के लिए एक दोस्त प्रणाली बनाए रखने पर जोर देने के लिए थे फिल्म का दूसरा शेड्यूल 21 जनवरी 2020 को गोवा में हुआ था जबकि यह गाना यह खान और हुड्डा के कुछ पिछला पीछा करने वाले दृश्य फिल्माए गए थे क्लाइमैक्स शॉट के लिए निर्माताओं की दृश्य प्रभाव पर, पर 7.5 करोड़ रुपये की खर्च की थी और फिल्म की शूटिंग 21 फरवरी 2020 तक पूरी होनी थी और लेकिन निर्माताओं ने थाईलैंड में एक और शेड्यूल योजना बनाई थी जिसे बाद में कोविड 19 महामारी के रूप में रद्द कर दिया गया था दोस्तों बात करें फिल्म में सुपर स्टार अभिनेता सलमान खान यानी दबंग खान यह बॉलीवुड के सुपर स्टार अभिनेता हैं इनकी कैरियर की शुरुआत बात करें तो दोस्तों सुपर स्टार अभिनेता सलमान खान यह भारतीय फिल्म यह भारतीय फिल्म का अभिनेता है खान ने अपने अभिनय की शुरुआत उन्नीस सौ अट्ठासी की आई फिल्म बी हो तो ऐसी से की थी जिन्हों जिसमें उन्होंने एक सहायक भूमिका निभाई थी और उन्होंने सूरज आर भाटजाता की रोमांस परिवार ड्रामा मैंने प्यार किया उन्हें से नवासी में एक प्रमुख भूमिका में थी जो उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई थी इसने उनके इसने उन्हें उसी समारोह में सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण के लिए नामांकन के साथ साथ फिल्म फिल्मफेयर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला नामांकन अर्जित किया था बाद वाले सूरज आर भाटज्य को सम्मानित किया गया और फिल्म मैंने प्यार किया को अंग्रेजी में वेन लव क्लस ओ और एस्पेसन में तो आमो और तेलुगु में डब किया गया था उन्नीस में खान की अभिनीति एक फिल्म रिलीज हुई थी जो कि बागी बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी इसके बाद उन्नीस सौ में तीन सामान्य रूप से सफल फिल्में रहीं और पत्थर के फूल सनम बेवफा कुर्बान उसी बॉस की खान ने संजय दत्त की माधुरी दीक्षित के साथ रोमांटिक ड्रामा साजन में सकलाकार के रूप में काम किया था उसके बाद सुपरस्टार स्टार दबंग खान यानी सलमान खान ने उन्नीस सौ चौरानवे में, में राजकुमार संतोषी की अंदाज अपना अपना में आमिर खान के साथ सहकलाकार में दिखाई दिए थे और दोस्तों अब बात कर ले सुपर स्टार अभिनेत्री दिशा पटानी यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो कि बॉलीवुड की फिल्म में काम करती है अभिनेत्री दिशा पटानी इनकी भारतीय अभिनेत्री है फिल्म है जो कि भारतीय फिल्म में काम करती है और हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए भी जानी जाती हैं उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत तेलुगु फिल्म लोफर 2015 से की थी जो कि उन्होंने अपनी पहली हिंदी स्पष्ट बायोपिक फिल्म एम एस एम एस धोनी ऑन द टोल स्टोरी 2016 में अपनी भूमिका के लिए पहचान हासिल की थी जिसके लिए उन्होंने सुपर स्टार ऑफ टुमार्टो टुमारो के लिए स्टार ड्रम अवार्ड्स सहित कई पुरस्कार भी जीते हैं फिल्मफेयर में बेस्ट फीमेल डेब्यू के लिए आइफा अवार्ड जीता था और अभिनेत्री दिशा पटानी ने बाद में बाद में चीनी एक्शन कॉमेडी फू योगा 2017 और हिंदी फिल्मों जैसे बागी दो भारत 2019 मंगल 2020 और एक विलेन रिटर्न 2022 में अभिनय किया था दोस्तों बात अभिनेत्री पटानी पटानी की की शुरुआत ने 2015 2015 में में वरुण तेज के साथ एक तेलुगु फिल्म लोफर से शुरुआत की थी और अपने मौनी की भूमिका जो एक लड़की जो जबरन शादी से बचने के लिए घर से भागती है और पूरी जगन्नाथन द्वारा निर्देशित और सी कल्याण द्वारा सी के इंटरटेनमेंट के तहत निर्मित यह एक फिल्म यह एक फिल्म दूसरे मिलियन के बजट पर बनी थी और एक से छ मिलियन के जीवन भर में संग्रह के साथ बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन के खरदा खराब प्रदर्शन के साथ किया था और अगले वर्ष दिशा पटानी टाइगर श्रॉफ के साथ टाइगर श्रॉफ के साथ एक संगीत वीडियो बेफिका में दिखाई दिए थे जिसे टी जिसे टी सीरीज के तहत भूषण कुमार और कृष्णा कुमार द्वारा निर्मित किया गया था और मित ब्रदर्स द्वारा संगीत वृद्ध किया गया था जबकि मित ब्रदर्स द्वारा लिखित और निर्देशित भी किया गया था आदित्य सिंह शर्मा की अपनी आवाज भी दी थी और बात कर ले दोस्तों आदित्य दिशा पटानी अभिनेत्री नीरज पांडे की एम एस धोनी अंडर टोल्ड स्टोरी के साथ अपना व्यवसायिक ब्रेक पाया था जो सुशांत सिंह राजपूत और कियारा आडवाणी के साथ भारतीय क्रिकेटर टीम पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी एम एस धोनी की जीवन पर कहानी आधारित है जीवन पर आधारित फिल्म है और यह फिल्म उन्होंने एम एस धोनी के चरित्र को प्रेमिका प्रियंका चोपड़ा प्रियंका झा की भूमिका निभाई है जिसकी एक कार दुर्घटना के से मृत्यु हो जाती है नीरज पांडे द्वारा निर्देशित और फॉक्स स्टार स्टूडियो द्वारा निर्मित यह फिल्म 30 सितंबर 2016 को रिलीज हुई थी और दूसरे 16 सोलह करोड़ रुपए के अनुमति संग्रह के साथ एक बड़ी हिट थी और यूएस यूएस 27 मिलियन इसके अलावा उन्होंने सोनू सूद के साथ जैक जैकी चैन की कुंग कु योगा में भी अभिनय किया था बात कर ले दोस्तों सुपर स्टार अभिनेत्री दिशा पटानी और सुपर स्टार अभिनेता राधे सुपर स्टार अभिनेता दबंग खान यानी राधे मूवी में जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ नजर आए थे हेलो गाइज आज के इस वीडियो में रिव्यू करेंगे राधे मूवी से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक फैक्टर को बतलाएंगे और दोस्तों साथ ही साथ राधे मूवी में सुपरस्टार कौन है और इस फिल्म का डायरेक्टर कौन कर रहे हैं और दोस्तों साथ ही साथ इस मूवी ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कितना कमाई की है तो दोस्तों इन सभी इंफॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहें और दोस्तों साथ ही साथ साथ ही साथ राधे मूवी को हिंदी भाषा के साथ दोस्तों यूट्यूब पे देखना चाहते हैं तो दोस्तों हमें नीचे कमेंट करके बतला सकते हैं और दोस्तों साथ ही साथ चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं तब तक, तक दोस्तों आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके साथ ही साथ बेलगन प्रेस कर दे दोस्तों बात करें राधे मूवी एक दो की भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म है जो कि राधे राधे फिल्म सुपरस्टार अभिनेता राधे फिल्म में सलमान खान और अभिनेत्री दिशा पटानी रणदीप हुड्डा जैसे जैकी श्रॉफ भी अभिनेता जैसे देखने को मिलेगा दोस्तों बात कर ले सुपर स्टार अभिनेता सलमान खान से ये फिल्म राधे मूवी का डायरेक्टर प्रभु देवा ने किया था जबकि इस फिल्म का लिखित एसी मुगल विजय मौर्या ने इस फिल्म का लिखे थे फिल्म का प्रोड्यूसर सलमान खान सोहेल खान अतुल अग्निहोत्री निखिल निम्तो ने मिलकर इस फिल्म का लेखे प्रोड्यूस किए थे और बात कर ले दोस्तों इस फिल्म का संगीतकार संचित बलहार और अंकित बलहार ने इस फिल्म का संगीत दिया था जबकि इस फिल्म का गाना साजिद वाजिद और देवी श्री प्रसाद हिमेश रेशमिया द्वारा इसे तैयार किया गया था राधे मूवी का उत्पादक कंपनी जी स्टूडियोज द्वारा इसे बनाई गई थी जबकि सलमान खान फिल्म्स सुहेल खान प्रोडक्शन और रियल लाइफ प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसे बनाई गई थी और इस फिल्म का वितरित जी स्टूडियो जी प्लेक्स जी फाइव द्वारा इसे वितरित किया गया था दोस्तों तेरह मई 2021 में रिलीज हुई राधे मूवी का समय सीमा यानी रोनर टाइम एक से पैंतीस मिनट के साथ इंडियन इंडियन सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और दोस्तों बात करें इस फिल्म का हिंदी भाषा के साथ इंडिया में बनाई गई थी बात कर ले दोस्तों राधे मूवी से राधे मूवी ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अट्ठारह पॉइंट करोड़ का कलेक्शन किया था फिल्म राधे में सुपर स्टार अभिनेता सलमान खान और अभिनेत्री दिशा पटानी की जोड़ी ये फिल्म में काफ़ी जबरदस्त चली थी और दोस्तों साथ ही साथ राधे मूवी में सुपर स्टार अभिनेता सलमान खान की फिल्म राधे सितंबर 2019 में मीडिया के रिपोर्ट के अनुसार लगाया गया है कि प्रभु देवा के डायरेक्ट में बनी फिल्म दबंग थ्री को पूरा करने के बाद सलमान खान की अगली परियोजना का निर्देशक करेंगे इस फिल्म की ईद उल फितर दो हज़ार दो मई को अवसर पर रिलीज होगी और तीसरी तारीख को सलमान खान ने सलमान खान ने रुकी हुई फिल्म इन के लिए होने का अनुशासन लगाया गया था यह शीर्षक वांटेड टू है लेकिन निर्माताओं से इसकी पुष्टि नहीं हुई है और अक्टूबर 2019 में फिल्म को सद दो की 2017 की दक्षिण कोरियोग्राफर कोरियोग्राफर फिल्म का रीमेक होने की सूचना मिली थी 18 अक्टूबर 2019 को सलमान खान ने दबंग थ्री के मोशन पोस्टर के माध्यम से राधे मूवी में फिल्म के शीर्षक का खुलासा किया था दोस्तों बात कर ले फिल्म की फिल्माने फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी नवंबर 2021 में शुरू हुई थी जबकि नवंबर 2019 में शुरू हुई थी जबकि फिल्म का पहला शेड्यूल 4 नवंबर को मुंबई में महबू स्टूडियो में हुआ था खान के खान ने सेट पर कलाकारों के चालक दल के सदस्य के लिए एक नए निर्देशक दिशा एक नए दिशा निर्देशक पेश किए थे जो सेट पर अनुशासन बनाए रखने के और नए लोगों का या जूनियर की मदद करने के लिए एक दोस्त प्रणाली बनाए रखने पर जोर देने के लिए थे फिल्म का दूसरा शेड्यूल 21 जनवरी 2020 को गोवा में हुआ था जबकि यह गाना यह खान और हुड्डा के कुछ पिछला पीछा करने वाले दृश्य फिल्माए गए थे क्लाइमैक्स शॉट के लिए निर्माताओं की दृश्य प्रभावों पर, पर 7.5 करोड़ रुपये की खर्च की थी और फिल्म की शूटिंग 21 फरवरी 2020 तक पूरी होनी थी और लेकिन निर्माताओं ने थाईलैंड में एक और शेड्यूल योजना बनाई थी जिसे बाद में कोविड 19 महामारी के रूप में रद्द कर दिया गया था दोस्तों बात करें फिल्म में सुपर स्टार अभिनेता सलमान खान यानी दबंग खान यह बॉलीवुड के सुपरस्टार अभिनेता हैं इनकी करियर की शुरुआत बात करें तो दोस्तों सुपरस्टार अभिनेता सलमान खान यह भारतीय फिल्म यह भारतीय फिल्म का अभिनेता है खान ने अपने अभिनय की शुरुआत उन्नीस सौ अट्ठासी की आई फिल्म बीबी हो तो ऐसी से की थी जिन्हों जिसमें उन्होंने एक सहायक भूमिका निभाई थी और उन्होंने सूरज आर बाडजाता की रोमांस परिवार ड्रामा मैंने प्यार किया उन्नीस सौ नवासी में एक प्रमुख भूमिका में थी जो उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई थी इसने उनके इसने उन्हें उसी समारोह में सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण के लिए नामांकन के साथ साथ फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला नामांकन अर्जित किया था